नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस लाइव में आपका स्वागत है। तो आज का ये लाइव आप सभी के लिए खुला होगा। कोई भी किसान हो यहाँ पे कमेंट कर सकता है। सिर्फ मेंबर्स के अलावा भी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है वो सभी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और रही बात आपके सवालों के जवाब की, तो यहाँ पे हम आपके जवाब देते वक्त एक बात का ख्याल रखेंगे कि ज्यादा ज्यादा सवालों के जवाब हम आपके लिए दे सकें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कोई सवाल हो तो जरूर पूछना भाई। आज का लाइव सबके लिए, तो सिर्फ एक कंडीशन रखी है हमने, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और रही बात लाइक भी कर दीजिएगा। सवाल क्यों नहीं आ रहे? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है या फिर नहीं? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना भाई, मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है या फिर नहीं। कोई दिक्कत हो रही है तो भाई बताना। बिन्स, ओके सर, नमस्ते, कैसे है? आवाज आ रही है फर्स्ट क्लास। ओके भाई, धन्यवाद भाई बताने के लिए। आवाज तो आ रही है, मैं भी सोचा इतने चुपचाप क्यों है सब के सब। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है मोहन सिंह बर्मन जी का। हम बीन्स की खेती कर रही है, फ्लावरिंग अच्छे से आ रही है, पर फ्लावर्स ड्रॉप हो जा रहे है, बहुत कम लग रहे हैं, वो भी छोटी छोटी ड्रॉप हो जा रही है। बोरान का स्प्रे लिए, प्लेनोफिस स्प्रे किया, बोरान का भी स्प्रे लिया और प्लेनोफिस का भी। आप भाई आप एक काम करना, पाउडर फॉर्मुलेशन कम से कम इस्तेमाल करना और टिल्ट और कुमन का स्प्रे ले लेना। सर नमस्ते, कैसे भाई? मैं ठीक हूँ। ईसा भी का स्प्रे किया, कुछ फायदा नहीं मिला। आप मोहन सिंह का एक सवाल, हाँ ईसाबियन वो फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया। भाई टिल्ट का इस्तेमाल कर लो, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर आवाज है आ रही है भाई जी, धन्यवाद भाई। भास्कर डब्ल्यू जी ने पूछा है, हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है बहुत दिनों से, साउंड गुड़ आ रहा है। धन्यवाद भाई भास्कर जी। सुरभि सुरभि, कापूस सूख रही है। भाई कापूस सूख रही है तो किस वजह से सूख रही है? आपने मेंशन नहीं किया, ज्यादा बारिश या कम पानी की वजह से ये मेंशन करते तो आपके सवाल का जवाब दे पाना और भी आसान हो जाता। तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है सर। मेरे टोमेटो फार्म में ब्लाइट आ गया है। भाई ब्लाइट तीन प्रकार की होती है, एक बैक्टीरियल ब्लाइट, एक आपका अर्ली ब्लाइट, एक लेट ब्लाइट और एक बैक्टीरियल ब्लाइट होता है। तो तीनों में से कौन सा वाला ब्लाइट है ये आपने मेंशन नहीं किया है। प्लीज हमारा ब्लाइट का डिटेल में वीडियो बन चुका है, तो आप ब्लाइट का वीडियो देख लेना और उसी में हमने आपका इलाज भी बता दिया है। सर कापूस पिकातील बोंडअळी साठी काय करावे? भाई बोंडअळी साठी आप एक काम कर सकते हो, SLR 525 बहुत ही बढ़िया काम करेगा। कांद्याचे रोप घर के गेहूं बसत आहे, उपाय सांगा। किरण बुरकुल भाई, यो इसे हिंदी में जलेबी रोग कहते हैं। तो भाई ये जलेबी रोग आपके प्याज के ऊपर पूरे भारत में बारिश के दिनों में आता ही है, हर साल आता है। तो इसके आने की वजह ज्यादा नाइट्रोजन होता है पहले तो, और जो बाकी का जो होता है वो फंगस के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पहले तो टिल्ट कुमान आपको डालना चाहिए, 2 नंबर का स्प्रे आपको फॉलिकेयर कुमान डालना चाहिए और 3 नंबर में आपको रोको कुमान डालना चाहिए। रोको कुमान पॉलीट्रीन बायोविटाइक सिलिकॉन बेस स्टिकर कॉम्बिनेशन चलता क्या? चल जाएगा ठाकरे जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्रो इन्फो जी ने कमेंट किया है, सर धान में माइट है प्लीज? माइट है तो भाई मिटिगेट बहुत ही बढ़िया काम करेगा, मिटिगेट डाल देना। सर वाल वरती आड़े आई मागिल पावर 5 दिवस आधी फेनस की इच्छी के लिए आई। भाई डेलीगेट का इस्तेमाल कर लो, आपकी लिया जाएगी। भिंडी के फल में पीला कलर आ रहा है, डार्क ग्रीन कलर के लिए क्या करें? डार्क ग्रीन कलर के लिए आपको फेरस का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अरविंद यादव जी ने कमेंट किया है, सर मिर्च में चिनोफोरिया ब्लाइट की समस्या आ रही है, इसके लिए कोई सटीक जानकारी बताए? भाई इसके लिए तो एक जानकारी इतना ही है कि भाई आप फॉलिकेयर और ब्लू कॉपर का इस्तेमाल कर लो, ये
आपका जो ब्लाइट है ये कवर हो जाएगा। अनार में साइज बनाने के लिए कोई टॉनिक बताए, टॉनिक बताए, मुरुक बहार है, मुरुक बहार के लिए कोई साइज के लिए टॉनिक चाहिए। तो भाई अमीनो एसिड सबसे बढ़िया होता है, प्योर अमीनो एसिड 80% वाला अगर लोगे तो आपकी साइज 100% बढ़ जाएगी। तो वो आपका कई कंपनियों का आता है, सोलिफिड कंपनी का ये अमीसोल 80% वाला आता है, तो वो भी साइज बढ़ाने के लिए बढ़िया रहेगा। सबसे सस्ते में और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला अमीनो एसिड होता है साइज के लिए। आप देखना भाई जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं साइज बढ़ाने के लिए, वो सभी प्रोडक्ट के ऊपर अमीनो एसिड होता ही होता है। तो आप अमीनो एसिड डायरेक्ट रेडीमेड अगर 80% वाला इस्तेमाल करोगे साइज बढ़ाने के लिए, तो वो आपके फसल में 100% रिजल्ट देता ही देता है। तो ठीक है, अगला सवाल, डाळिंबावरती मोटा काला टिपके पड़ता है, खूपच खराब हो रहा है। भाई अनार के फसल के ऊपर जो आपका ब्लैक वाला फंगस आ रहा है जिसे हम प्लेग कहते हैं, तो भाई वो आने की वजह बारिश है, तो बारिश के कारण वो आ गया है। तो अभी आपको एक काम करना है, कॉपर डस्ट आती है 25% वाली, उसका स्प्रेइंग करना है, उसका छिड़काव करना है। नहीं कर सकते तो आपको कॉपर M45 का छिड़काव करना पड़ेगा। सीताफळ फुलकळी गळत आहे, सेटिंग साठी उपाय सांगा। भाई सीताफळ के फसल में अगर आपका ड्रॉपिंग हो रहा है तो वहां पे आप प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेनोफिक्स भी बढ़िया रहेगा आपके लिए और रोकोगुमान भी बढ़िया रहेगा। डेनिटॉल के साथ बायफेंथ्रिन मिला सकते हैं क्या सर? भाई डेनिटॉल के साथ बायफेंथ्रिन क्यों मिलाना चाहते हो, इसका जवाब दे दो। किस पेस्ट को टारगेट करना है? कपास में गुलाबी सुंडी का भारी प्रकोप हो गया है, क्या डाले? बिल्कुल बैंगन वाली सुंडी है, 1 एकड़ बैंगन में 60,000 की कीटनाशक। बाप रे, 1 एकड़ बैंगन में 60,000 की कीटनाशक, क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है मेरे कानों के ऊपर, आंखों के ऊपर, 1 एकड़ बैंगन में 60,000 की कीटनाशक। तो इतना तो हमारे पूरे का पूरे सीजन का नहीं होता अंगूर का इतना खर्चा कर करके भी। तो ठीक है भाई, आपने डाला है कमेंट तो आपकी बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इतना ही ज्यादा प्रकोप है तो पहले आपको ड्रेंचिंग के माध्यम से कोई इमिडा हो गया, या फिर इतना ज्यादा प्रकोप है तो वेलम्फ्लेक्सी की ड्रेंचिंग करवा दो और ऊपर से एम्प्लीगो या फिर कोरोजन डाल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो प्रोपेक्स ऊपर डाल के देखो भाई, वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। मेरे खीरे आजकल ज्यादा बारिश की वजह से सुबह रुई जैसी फफूंद आ जाती है, अच्छा फंजीसाइड बताओ यह रुख से। भाई अच्छा फंजीसाइड अगर फ्लावरिंग स्टेज छोड़कर सभी में चलता है, M45 और कैराथेन डाल दो, अगर फंगस आ चुकी है तो वही काम करेगा, आपको सस्ते में बहुत ही बढ़िया करेगा। सर मिर्चीच्या फुलामध्ये थ्रिप्स खूप अटॅक आहे, उपाय सांगा। भाई स्पिंटोर या फिर आपका क्या नाम है, वीरेंद्र भगत, स्पिंटोर या फिर डेलीगेट का इस्तेमाल आप कर सकते हो भाई, जिससे आपके थ्रिप्स भाग जाएंगे यानी मर जाएंगे। सर प्याज की फसल में जलेबी रोग आया था तो मैंने रोको उसके 4 दिन बाद, टिल्ट कुमार स्प्रे किया, अभी बारिश ज्यादा हुई है और अगले 4 दिन होगी। मतलब आपका टिल्ट हो गया और आपका कौन सा रोको भी हो गया, टिल्ट और रोको दोनों हो गया जलेबी रोग के लिए। अभी आपको फॉलिकेयर कुमार डालना चाहिए और उसके साथ मेरे हिसाब से हाँ फॉलिकेयर कुमार और सिलिकॉन डाल दोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। कुमान की जगह कॉपर ले लेना भाई, ब्लू कॉपर लेना, फॉलिक्यूलर ब्लू कॉपर और सिलिकॉन का स्प्रे ले लेना जलेबी रोग के लिए, टिल्ट हो गया रोको हो गया आपका। सुरेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है, लैम्बडा साइलोथ्रिन का स्प्रे धान की बाली निकलने के बाद कर सकते हैं क्या? भाई लैम्बडा साइलोथ्रिन का स्प्रे धान की बाली निकलने के बाद आप कर सकते हो, फ्लावरिंग ओपन होने से पहले जरूर कर सकते हो। चिली में वायरस से क्या करें? भाई कॉपर का, ब्लू कॉपर और सिलिकॉन का स्प्रे कर देना, देखना भाई कोई और कीटक होंगे तो कीटकों को ज्यादा ज्यादा जल्द से जल्द कंट्रोल कर लेना, जिससे आपका वायरस फैले ना, और वायरस के जितने भी पौधे उनको उखाड़ के बाहर फेंक देना ही उसका सबसे बड़ा इलाज है। नमस्कार सर जी, आज हम बैंगन में प्रोपेक्स पादान का स्प्रे किया है, इसके बाद हम एम्बिशन का स्प्रे कितने दिन बाद कर सकते हो? भाई कल ही आप एम्बिशन का भी स्प्रे ले सकते हो, आप इसमें भी एम्बिशन डाल सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी उसमें। पत्ता गोभी में ब्लाइट बहुत आ रही, भाई रंजीत पाटीदार जी, पत्ता गोभी में ब्लाइट आ रहा है, कौन सा अर्ली वाला, लेट वाला या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट, ये आपने मेंशन नहीं किया।
सर दाढ़ीम साठी वीडियो बना भाई, अनार के ऊपर ए टू जेड वाले वीडियो आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, क्योंकि अभी अभी बात ऐसी हो गई है कि अभी बात ऐसी हो गई है कि अंगूर का सीजन चालू हो गया है, तो मेरे को दिसंबर तक का अब तो टाइम ही नहीं मिलेगा। ये जैसे तैसे करके वीडियो बना के आपको मैं दे रहा हूँ शॉर्ट में, यही हो सकता है। और दिसंबर के बाद आपके ए टू जेड वाले वीडियो आने लगेंगे, पहले हम छोटी छोटी फसल ले लेंगे, फिर बागवानी फसलों की तरफ हम जरूर आ जाएंगे। तब तक आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे कर दो। 124 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 33 लोगों ने लाइक किया है, भाई बहुत गलत बात है। और भूषण कड़ू जी ने हमें सुपर चैट किया है 20 रुपए का, तो धन्यवाद भूषण कड़ू जी हमें सपोर्ट करने के लिए। कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लेना भाई, सवाल नहीं पूछा आपने, सिर्फ सुपर चैट कर दिया। 45 दिवस रोप आहे, सतत पाऊस चालू आहे, रोपे पिवळे पडून मूळ सडत आहे, पीळ पडत आहे, टिडकुमान आणि एमएसटीआर एम45 स्प्रे घेतला आहे, काय करावे उपाय सांगा। वही तो बताए आपको क्या करना है, अगर आपके प्याज के फसल में जलेबी रोग आ रहा है ओनियन में, तो आपको क्या करना है, टिडकुमान निकालना है, रोकोकुमान निकालना है, फॉलिकियर और ब्लू कॉपर निकालना है। ये तीनों स्प्रे निकालते हो तो आपका जलेबी रोग बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा गारंटी के साथ, एक कुछ प्रतिशत वो कमी आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी ज्यादा बारिश आती है तो आपको पोटेशियम जोनाइट भी अलग से डालवाना पड़ेगा 100% रिजल्ट पाने के लिए। सूरज वाघ कांदा पिकावर रोग पीळ रोगाशिवाय औषध सांगा, भाई वही तो बता रहा था अभी। राम राम भाऊ, राम राम। मूंगफली में रस में बेस्ट फंजीसाइड, भाई मूंगफली में सबसे बेस्ट फंजीसाइड रस के लिए टिल्ट बढ़िया रहेगा, कम बजट में ज्यादा ऊपर की ग्रोथ भी रोका देगा और नीचे मूंगफलियां भी बढ़ जाएगी। मिलीबग का पक्का इलाज बताइए अनिल पाटीदार, भाई मिलीबग का पक्का इलाज 100% बताता हूँ, क्लोरो प्लस पदान का स्प्रे कर देना, आपका मिलीबग गायब हो जाएगा। क्लोरो प्लस पदान से भी कंट्रोल कर सकते हो, प्रोपेक्स सुपर से भी कंट्रोल 100% कर सकते हो। भाई जलेबी रोग का बता दिया, कितनी बार पूछोगे। धान में बाली निकलने से, अगर कोई लेट हमारे अगर कोई हमारे लाइव को लेट ज्वाइन हो गया है तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, अगर लेट ज्वाइन हो चुके हो तो इसका ये लाइव आप फिर से देख सकते हो। अगर मैं कहूँ कि भाई इसका जवाब दे दिया है तो आप फिर से लाइव इसे मैं पब्लिक करने वाला हूँ तो आप देख सकते। अब्दुल जी ने कमेंट किया है कि टोमेटो की ए टू जेड वीडियो बनाइए, भाई ए टू जेड वीडियो बनाने के लिए मैंने 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट दिया था सितंबर तक, तो वो कंप्लीट ना होने के कारण मेरे को अभी बाहर कंसल्टिंग के लिए विजिट के लिए जाना पड़ता है, तो इसके लिए वक्त नहीं निकल पाता हूँ चैनल के लिए। तो वैसे ही पार्ट टाइम ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, तो ये फुल टाइम करने के लिए अभी दिसंबर के बाद ही कुछ हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपके ए टू जेड वाले वीडियो 100% आएंगे ही आएंगे, तब तक आप हमें अगर सब्सक्राइबर बढ़ाने में सपोर्ट करते हो तो भाई आपके वीडियो थोड़े जल्दी भी आ सकते हैं। श्रेयस गवान जी ने हमें सुपर चैट किया है 20 रुपए का, तो धन्यवाद भाई सुपर चैट के लिए। और आप कहाँ से हो भाई, ये भी नहीं बताया आपने, कहाँ से हो, क्या करते हो, कौन सी फसल है, कुछ सवाल कुछ भी मैसेज नहीं, सिर्फ सुपर चैट करते है, सिर्फ सपोर्ट करते है, धन्यवाद भाई आप सबका। बारिश हो रही है कौन अनार के ऊपर, कौन अनार के ऊपर, भाई मेरे को महेश डोग जी, मेरे को आपकी कमेंट ही समझ नहीं आई। तो द योगी जी हमारे मेंबर बन चुके हैं, तो वेलकम द योगी जी, द योगी एमपी से है मेरे हिसाब से। सर भिंडी येलो कलर हो रही है, प्लीज हेल्प मी, भाई इसमें एक काम करो, एक येलो कलर का हो रहा है तो ये एक आपकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो डेफिशिएंसी होगी तो आपको फेरस सल्फेट डालना पड़ेगा। अगर ब्लाइट होता है तो आपको पत्तिया भी येलो है, भिंडी भी येलो है, ये आपने मेंशन नहीं किया। प्रवीण मंडल जी ने सर बोनस फंजीसाइड प्लस टाटा एसीटाप साथ में चल सकता है क्या, चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। मोहन सिंह बनवान जी ने कमेंट किया आज बीन्स में चमत्कार स्प्रे किया, टिल्ट कुमानेल कितने दिनों में स्प्रे करें। भाई मोहन सिंह जी जब नई पत्तियां आने लगेंगी और जब आपको लगे कि फिर से मेरे को इसकी ग्रोथ रुकवानी है तब आप फिर से टिल्ट का स्प्रे ले सकते हो आपके चमत्कार के बाद। सर जी बेस्ट आकारी साइड बताओ, भाई मिटिगेट सबसे बेस्ट है, मिटिगेट सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, फिर आपका आवासीन बढ़िया तरीके से काम करता है, और सबसे बढ़िया तो डाइकोपॉल था,
जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। सबसे सस्ते में सबसे बढ़िया दवाई थी आकारी साइड की, यानी कि आपके रेड माइट को मारने की, और वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। महंगे वाले कभी बंद नहीं करते, उससे कैंसर नहीं होता। भाई मिर्च लगा के 40 दिन हो गया, थ्रिप्स अटैक बहुत है, थ्रिप्स के लिए और फंजीसाइड कॉम्बिनेशन बताएं। भाई फंजीसाइड कॉम्बिनेशन तो हमने कॉम्बिनेशन वीडियो तो बहुत बताए, आप किसी भी कॉम्बिनेशन वीडियो को देख लेना, डेलीगेट वाला कॉम्बिनेशन वीडियो देख लेना और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। भाई टोमेटो में बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए चिलेटेड कॉपर सुगामाइसिन चलेगा क्या? फ्लावर ड्रॉप तो नहीं होगी ना भाई? भाई कसुगामाइसिन और चिलेटेड कॉपर से कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ ड्रॉपिंग नहीं होगी, चल जाएगा। कुकुम्बर के प्लांट्स येलो हो रही है, नेट हाउस में बैग में प्लांटेशन किया है प्रदीप जी, वो डाउनी मिल्ड्यू है या फिर डेफिशिएंसी? मेरे हिसाब से डाउनी मिल्ड्यू होगा जिसके कारण वो पीला पड़ रहा है। तो हरि सिंह मीना जी ने हमें सुपर चैट किया है 20 रुपए का, तो धन्यवाद हरि सिंह मीना जी, बहुत पुराने सब्सक्राइबर है। तो पाऊस जास्त येतोय, तो 2 दिवसापूर्वी कॅब्रेटॉप आणि हमला स्प्रे केलाय, 2 मनचे कांदे आहे, पुढचा स्प्रे कोणता घ्या? भाई आप एक काम कीजिएगा, पहले तो टिल्ट कुमान और पदान का स्प्रे ले लेना। अविनाश बोटरे, सनी निकम जी ने कमेंट किया है, सर जास्त पावसामुळे जास्त नायट्रोजन मुळे कांद्याची वाढ जास्त होत आहे, तर मॅग्नेशियम सल्फेट फेकून दिले तर चालेल का? 10 गुंठ्याला 5 किलो। बहुत ही बढ़िया वाली कमेंट की है इन्होंने, कमेंट में ही आंसर मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर भी बता दिया और सिर्फ कंफर्मेशन मांगा है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि प्याज में बहुत बारिश गिर रही तो मैग्नीशियम सल्फेट डालवा दो क्या? भाई बिल्कुल डालवा दो, नाइट्रोजन ब्लॉक करना, ये आपको आसानी से अभी आपको अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आ रहा है और आप ही मेरे को सोल्यूशन बता रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि आपको खुद से अगर खुद से प्रॉब्लम टैकल करना आ रहा है। इसलिए तो राजा जी मिर्ची में फंगस है, टहनी भी सूख गई रही है, माथाबंदी भी है। भाई ओ राजा जी, वो जो ब्लैक वाला फंगस होता है वो कंट्रोल कर पाना अभी मिर्च में, आपने बहुत देर कर दी उसे कंट्रोल करने, अभी वो टर्नियों में अगर वो फंगस घुस चुका है तो वो कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल बात। दो योगी जी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं और इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, सर नैनो यूरिया लिक्विड में कितना परसेंट बैरत होता है? एप्पल के प्लांट में स्प्रे करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जैसे हम 10 kg 200 लीटर पानी में डालते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए बर्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए आफ्टर हार्वेस्ट। तो भाई दयोगी जी आपने परसेंटेज पूछा है पहले, तो ये 4% आता है, ये मैंने कैलकुलेशन करके नैनो यूरिया के वीडियो में भी बताया है, 4% ही आपका नाइट्रोजन आता है नैनो यूरिया में, लेकिन वो नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। और आपका अगला सवाल नेक्स्ट ईयर के लिए बर्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए आफ्टर हार्वेस्ट, अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, आपको फास्फोरस का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बर्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सर जी जवाब नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे रहे हो, सॉरी सर जी जवाब नहीं दे रहे हो। ओम पवार भाई पूछो भाई कौन सा सवाल है आप? तुरी विषय वीडियो बनवा भाई, जरूर बनेंगे, थोड़ा वक्त तो इंतजार करना पड़ेगा, मेरी भी कुछ मजबूरियां है, मैं आपको फुल टाइम नहीं दे सकता, फुल ए टू जेड वाली वीडियो बनाने के लिए मेरे को आपको फुल टाइम देना पड़ेगा जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ही मेरे को सहायता कर सकते हैं, जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर बना दो और आपके ए टू जेड वीडियो आ जाएंगे। अभी मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर के बाद ही आपके वीडियो आ जाएंगे ए टू जेड वाले, तब तक आपके जो भी समस्या है छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो हम जरूर सॉल्व कर देंगे। लाल कोळी साठी चांगले औषध सांगा रेड माइट के लिए, भाई रेड माइट के लिए मिटिगेट, और रेड माइट का ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है भाई। सर भिंडी में न्यूली पैन भिंडी येलो होता है, भिंडी चक शाप शेंडा हो रही है, तो भाई रेमेडी और मेलोडी का स्प्रे कर दो भाई देव पाटिल जी, मेलोडी 400 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए और रेमेडी 200 ग्राम 200 लीटर पानी। दिवराज भाऊ माझ्या संत्रा बागामध्ये खूपच गळण होत आहे, माझ्या जमिनीचा पोत काळा आहे, जास्त पाऊस झाल्यामुळे ड्रॉपिंग होत आहे, अपटेक होत नाही, काय उपाय? भाई आप सल्फर का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी जमीन हेवी सॉइल हो
दूसरी बात ड्रॉपिंग हो रही है हैवी सॉइल में पानी की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से, तो वहां पे पहले से ही प्रिवेंटिव में आपका रोको कुमन का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे आपका ड्रॉपिंग रुक जाएगा। अश्विन पंदुरकर जी ने लिप फोल्डर के अच्छी सी दवा बताए पैडी में। भाई लिप फोल्डर के लिए तो एम्प्लीगो भी बढ़िया काम करेगा, एम्प्लीगो डालो तो बहुत ही, और प्रोपेक्स सुपर भी बढ़िया काम करेगा, प्रोपेक्स सुपर का रिजल्ट आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो सर मैं आज ट्राइकोडर्मा लाए हूँ 1.15% गोबर में मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें क्या गुड़ भी डालो विस्तार से समझा दे। भाई गुड़ भी डाल दो, गुड़ डालने से अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है, मतलब साइंटिस्ट लोग ऐसे कहते हैं कि भाई वो सिर्फ लैब में मल्टीप्लाई होता है, उसके लिए इतना डिग्री टेम्परेचर इतना ये लगता है वो उतना ये लगता है। भाई मेरा एक सवाल है, ये जो आपके ट्राइकोडर्मा वाले जो बाकी के जो फंगस होते हैं वो कितने सालों से आपके आपके क्लाइमेट में अवेलेबल है? तब क्या लैब ही थी? आपके क्लाइमेट के अनुसार अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तब वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप कहते हो कि भाई ये खुले में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसी गलत बात है भाई, गलत धारणाएं मत रखो। हाँ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता। चिली में वेट रॉट एंड डायबैक डिसीज के लिए क्या डालें? चिली में वेट रॉट एंड डायबैक डिसीज के लिए क्या डालें? भाई नीला थोता यानी कि ब्लू कॉपर आप ड्रिप में से दे दो भाई, ब्लू कॉपर नहीं सॉरी, ब्लू कॉपर भी दे सकते हो या फिर नीला थोता यानी कि मोरसूद भी दे सकते हो। सर जी स्कोर टोमेटो में लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट में काम करेगी क्या लेकिन फ्लावर ड्रॉप होना हो? स्कोर टोमेटो के लिए टोमेटो में काम करता है भाई, और फ्लावर ड्रॉपिंग भी नहीं होता, सबके ऊपर हमारे वीडियो बन चुके हैं, आप चाहो तो एक बड़े चैनल ने कमेंट किया है उनका वेरिफिकेशन टिक मार्क भी था, कृषि वार्ता चैनल। नमस्कार सर कृषि वार्ता चैनल, भाई हमारी कुछ नसीब भी आप हमारे चैनल के ऊपर आके हमें देख रहे हो भाई, कृषि वार्ता चैनल धन्यवाद भाई। कुछ बताना चाहते हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रोपेक्स सुपर यूज फ्लावरिंग से पहले तूर में, फ्लावरिंग से पहले प्रोपेक्स सुपर का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। माफ करना यहाँ पे सभी सवालों के जवाब आपको नहीं दे सकता क्योंकि सवाल ही इतने आ रहे हैं कि भाई जवाब देते देते मैं पढ़ने में पढ़ भी नहीं सकता इतने वक्त में, आपको जवाब देना तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों के आपके जवाब दे सके क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉमन सवाल आ रहे हैं, ज्यादातर प्याज के ऊपर जलेबी रोग की समस्या ज्यादा आ रही है, रेड माइट की ज्यादा समस्या आ रही है और कुछ पर्टिकुलर कुछ कॉमन वाले प्रॉब्लम है, लेकिन इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हुए भी आप लाइक नहीं कर रहे हुए बहुत बुरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे बैठा क्यों हूँ, आप मोटिवेट नहीं करते हो, लाइक करके मोटिवेशन मिलता है भाई, लाइक करके कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन मजा आता है भाई, लाइक करने में क्या हर्ज है, एक बटन दबाने कोई पैसा नहीं कटता है उसका, प्लीज लाइक कर दो, एक साथ लाइक कर दो सभी। तो ठीक है अगला सवाल, सर रैली गोल्ड पाउडर फॉर्म में 70 दिन के प्याज में डाल सकते हैं क्या? प्याज की ग्रोथ भी कम है और क्या कंद भी बढ़ाएगा? भाई वो रैली गोल्ड जो है उसमें एक 10 प्रकार के कंटेन है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, माइकोराइजा भी है उसमें, तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, वो कंद की साइज बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया और कारगर साबित हो जाएगा, तो जरूर इस्तेमाल करना। हिराली माली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेंबर बन चुके हैं, तो वेलकम भाई हिराली माली जी, कुछ सवाल हो तो जरूर पूछना। कुछ मैसेज भी नहीं डाला इन्होंने। सर तुमच्या सल्ल्यामुळे खूप फायदा झाला, कांदे पीळ पडले होते, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे रोको 4 दिवसांनी टिल्ट कुमान मारले, आज प्लॉट खूप छान आहे, धन्यवाद सर। सनी निकम जी ने फीडबैक दिया है कि उनके प्याज के ऊपर जलेबी रोग था और उन्होंने टिल्ट कुमान और रोको कुमान दोनों के दोनों स्प्रे कवर भी कर ले और उनकी प्याज की फसल अभी ठीक ठाक है, तो धन्यवाद भाई, आप फीडबैक भी देते हो, आप सिर्फ सोल्यूशन मांग के एक चुप नहीं बैठते हो, ये बहुत ही मजा आता है इसमें, तो धन्यवाद भाई, इससे मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एमएनएस कर्नाटका एमएनएस ओके भाई, क्लोरोपायरीफॉस 50% ईसी ही आपल्या 22-3 सोबत मिरचीला ड्रेंचिंग करता येणार का? आणि प्रमाण किती घ्यायचे तर याबद्दल सांग भाई। क्लोरोपायरीफॉस आपको
ड्रिप से या फिर जमीन के माध्यम से ड्रेंचिंग नहीं करना है, उसके कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं है, सिर्फ आपकी जो घूमनी होती है उसके लिए थोड़ा बहुत इलाज होता है, लेकिन उससे आप जमीन खराब कर दोगे। हमें जमीन भी खराब नहीं करनी, आप क्लोरो का ऊपर से जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इसकी ड्रेंचिंग मत करवाओ भाई, ये आपके जमीन को ज्यादा नुकसान देगा और ऊपर से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। माइकोराइजा बोनी में देने की वजह से बीज फंजीसाइड से उपचारित करना चाहिए या नहीं? भाई फंजीसाइड अगर कॉन्टेक्ट वाला हो तो नहीं करना चाहिए, अगर सिस्टेमिक वाला फंजीसाइड से आप उपचारित करना चाहते हो तो आप बेझिझक उपचारित कर सकते हो सी ट्रीटमेंट के लिए। रोपाची मर होता है क्या करे? प्रशांत पावली जी, इनके विल्ट आ रहा है तो भाई आप एक काम कर सकते हो, पोटेशियम सोनाइट डाल सकते हो। रंजीत पाटीदार जी ने हमें 20 रुपए का सुपर चैट किया है, तो धन्यवाद रंजीत जी। कुछ सवाल हो तो जरूर पूछना। कोरोजन शूट प्रूफ बोरर वांगी पीक चालेल का? भाई कोरोजन शूट बोरर के लिए चल जाएगा, लेकिन आपको पहले क्या करना है, ड्रिंचिंग करनी है। ड्रिंचिंग से आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड बहुत आसानी से आपको रिजल्ट दे देगा, तो पहले उसका तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको ड्रिंचिंग का। ज्यादा बारिश कॉटन नीचे जल गल गया है और ऊपर हरा खरा रह गया है, क्या करें आप? भाई जो ड्रॉपिंग हो गई उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ऊपर है उसको सही सलामत रखने के लिए आप रोकोकुमान या फिर टिल्ट कुमान का स्प्रे ले सकते हो। सौरभ केदार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो वेलकम सौरभ जी। कॉम्बिनेशन वर माहिती व कॉन्टेक्ट दिया? भाई कॉम्बिनेशन के ऊपर तो हम आपको वीडियो तो लाते ही रहते हैं, कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके के बनते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत लाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन सही स्टेज में सही कॉम्बिनेशन जाता है तो आपका फायदा ही फायदा होता है, लेकिन गलत जगह अगर गलत कॉम्बिनेशन गया तो आपका नुकसान होना तय होता है। तो कॉम्बिनेशन से आपको अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन आपके फसल के अंदर जो सही स्टेज में अगर जाता है तो वो सही बात होती है। कांदे पिकातील तन्नाशक सांगा? भाई गोल और टारगा सुपर आता है, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है प्याज की फसल में हर्बिसाइड के रूप में। सर धान में बाली निकलने के टाइम 52-34 बोरान इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं क्या? भाई इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड कौन सा देना है ये आपने मेंशन तो नहीं किया है। सर तूर पिकासाठी ब्रांचेस वाढवण्यासाठी काय करावे? तेजस पाटिल जी ने सवाल पूछा है कि तूर की फसल में आपको ब्रांचेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई पहली बात है कि उसका तूर की फसल में आपको पहले मंथ में आपको शॉर्ट इंटरनोड रखने, जितने ज्यादा शॉर्ट इंटरनोड होंगे उतनी ज्यादा आपके ब्रांचेस निकल सकती, तो पहले एक मंथ में आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट इंटरनोड रखने है। और उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट 19-19 ऐसे कुछ भी स्प्रेइंग करती हो यूरिया का, तो वो ब्रांचेस निकलने लगेगी और आपको तब ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस यानी कि ज्यादा ब्रांचेस निकालने के लिए आपको छोटे इंटरनोड समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। कपाशीला कोणते औषध फवारल्याने सर्वात जास्त पाती लागतील? भाई सबसे ज्यादा तो बोरान महत्वपूर्ण रहता है, तो आपके लिए मेरे हिसाब से बूम फ्लावर सबसे बढ़िया रहता है और ज्यादा ब्रांचिंग होनी चाहिए तब आपके ज्यादा फूल आते हैं। तो कपास में यही फॉर्मूला होता है भाई, ज्यादा इंटरनोड ज्यादा फूल होंगे आपके लिए, ज्यादा पाते होंगे। मटर के सीड ट्रीटमेंट के लिए झलोरा बेस्ट है या यूपीएल का साफ, प्लीज रिप्लाई। भाई मटर के लिए तो भाई अगर आपकी हेवी वाली सॉइल है, ज्यादा भारी मिट्टी है, तो आपके लिए झेलोरा बेस्ट है। अगर आपकी मतलब सिंपल यानी कि हल्की वाली मिट्टी है तो आपके लिए साफ भी चल जाएगा। सर शुगर केन नर्सरी कैसा करना है बताओ प्लीज विदाउट प्रोट्री। भाई इसके लिए तो बताएंगे देव पाटिल जी, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसकी वजह से आपका सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो ये सब प्रॉब्लम हम कवर करने वाले, जब हमारा ये अभी अंगूर का काम चल रहा है, अंगूर का काम जैसे खत्म हो जाएगा हम A to Z वाले वीडियो की तरफ भागेंगे और आपकी ये सभी की सभी रिक्वेस्ट एक एक करके सॉल्व करेंगे, और वो स्पीड भी ज्यादा होगा क्योंकि वो फुल टाइम में करूंगा, अभी तो ये पार्ट टाइम में चैनल चल रहा है। 10 दिवस डाइम प्लॉट जाना रहा है कौन सा स्प्रे करूँ?
भाई महेश डॉग जी, आप पोटेशियम सोनाइट 1 kg और देशी दारू आती है उसका स्प्रे कीजिएगा, वो शाइनिंग आ जाएगा, तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है शाइनिंग के लिए भी। सर फुलावर आल्यानंतर उधळते कृपया 100% खात्रीपूर्वक काम कायम उपाय सांगा। काय उधळते भाई, मेरे को पता नहीं। सचिन जी आपके कमेंट पूरे करो भाई। सर शिमला मिर्च ओपन वरती लावली आहे, मल्चिंग पेपर पण। भाई हिंदी में सवाल पूछो, सबको समझ में आना चाहिए। भाई ओपन मिर्च लगाइए और उनको हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना है ये पूछ रहे थे। भाई हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप सीधा सीधा एक बात कीजिएगा, एक काम कीजिएगा कि भाई आप कैल्शियम नाइट्रेट डालवा दीजिएगा, उससे आपके फसल में हाइट बढ़ जाएगी मिर्च की फसल में। सर जी सरसों की खली के साथ डीएपी और एमओपी और गुड़ का मिक्स घोल बनाकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं क्या बैंगन और मिर्च में? भाई डीएपी और एमओपी का घोल बनाकर आप सरसों की खली के साथ बेझिझक डाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं सरसों की खली मूंगफली की खली का अगर आप ड्रेंचिंग करते हो तो। मक्का में इमाम एक्टिन लिक्विड का से ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या? भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पिकावर कीड नियंत्रण साठी स्प्रे कोणता घेऊ? यादी एविसेंट एंड धनुषान पर स्प्रे केला पण फरक पडला नाही। भाई डेलीगेट का स्प्रे कर दो, वही अंतिमिला जे मक्के की फसल पर इल्लियों का ही अटैक ज्यादातर होता है। 143 लोग लाइव है और 44 हो गए अभी, लेकिन 122 ही लाइक है। ये बाकी के लोग कौन है भाई, लाइक नहीं करते, बड़े कंजूस आदमी है कुछ तो। मजाक कर रहा था। सर अभी बारिश ज्यादा है तो अनार में कौन सा फंजिसाइड स्प्रे करें? भाई अनार में अगर बारिश ज्यादा हो तो अभी के लिए जैम प्रो या फिर इक्वेशन प्रो ही बेस्ट रहेगा। आप कैरथिन M45 का भी स्प्रेइंग कर सकते हो, M45 ब्लू कॉपर का भी स्प्रेइंग कर सकते हो, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर कुछ पहले से डिसीज प्रेशर है तो आप रन मैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अंगूर में 50% पत, मेरे को समझ नहीं आया भाई। भाई टोमेटो 55 दिन का है, फ्रूट सेटिंग हो रही है, आगे का मार्गदर्शन करें। बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक हुआ है, कई कई पे बेसल डोज फिर से कैसे दे सकते हैं? प्लांट की मल्चिंग लगी हो तो। भाई बेसल डोज तो फिर से नहीं दे सकते, वो भूल ही जाओ। आप ड्रिप्स के माध्यम से क्या देना चाहते हो वो दे सकते हो। फ्रूट की सेटिंग हो रही है यानी कि फ्लावरिंग स्टेज में आपको बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक हो चुका है, तो भाई आपके पास एक ही है, एक ही इलाज है कि भाई आप लिक्विड गोल्ड आता है, लिक्विड बोल्डिक्स मिक्सचर का ही अगर आप स्प्रिंग करते हो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ तो वो आपका काम हो जाएगा, आपका बैक्टीरियल ब्लाइट भी रुक जाएगा। रंजीत पाटीदार जी ने कमेंट किया है, सर खेत का पत्ता गोभी का एक वीडियो बनाकर मैं आपको भेजना चाहता हूँ, इस बीमारी में हर बार परेशानी होती है। तो भाई सॉरी मैं तो एक्टिव नहीं हूँ, फेसबुक के ऊपर भी एक्टिव नहीं हूँ कई दिनों से, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप भी खोलने की फुर्सत नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और फिर भी आप मैसेज डाल देना फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं देख लूंगा। सर मुझे धनिया को बढ़ने से रोकना है, क्या करूं? मैग्नीशियम सल्फेट डालो दो या फिर पोटेशियम सोनाइट? कैस्टर की फसल में लियोसिन और 52-34 का स्प्रे किया हाइट रोकने के लिए, अब फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए कौन सा स्प्रे करें? बहुत ही बढ़िया बात कही है भाई। अभी फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए चिलेटेड कैल्शियम और बोरॉन का स्प्रे कर दो। प्याज में जलेबी रोग के लिए कौन सी दवा यूज करें? गौरव पाटीदार। तो गौरव जी ये जो जलेबी रोग का इलाज है मैंने लाइव के शुरुआती में 15 मिनट के अंदर ही बता दिया है, तो ये लाइव मैं पब्लिक कर दूंगा तो आप फिर से देख सकते हो लाइव, फिर से रिपीट रिपीट करके आप लोगों का टाइम खराब हो जाएगा भाई। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। टोमेटो में बारिश की वजह से पीला हो गया है, तो क्या ट्रीटमेंट करें? प्लीज आंसर, संदीप जी ने पूछा है। तो भाई पीलापन आ रहा है अगर बारिश की वजह से, तो वहां पे मेरे हिसाब से कैरेथिन M45 बहुत ही बढ़िया रहेगा, डिसीज होगा वो भी कवर हो जाएगा और M45 और कैरेथिन से एक ग्रीनरी भी आ जाती है। अंगूर में 50% पत्ती है, इथ्रिल का स्प्रे सही रहेगा क्या और इथ्रिल का क्या डोज बताए? सुमित कुंगने जी, भाई सुमित कुंगने जी अगर आपके अंगूर के फसल के ऊपर
अंगूर के फसल के ऊपर अगर आपके 50% पत्ती आए तो आपका इथेनॉल अंदर जा सकता है, और यही आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आपका इथेनॉल अंदर जाएगा तो आपका बंच है जो अंगूर का, तो वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बाहर निकलेगा, एक समान स्प्राउटिंग होगी, एक समान आपकी बगीचा बाहर निकलेगी, तो वो आपको डालना ही चाहिए। और रही बात डोज की, तो 200 लीटर पानी के लिए आप 600 मिली इथेनॉल का स्प्रे छिड़काव के लिए इस्तेमाल अंगूर की फसल में कर सकते हो। मिर्ची साठी कर पाओ भूरी साठी स्प्रे बताओ भाई। फॉलिकेयर और डेलीगेट, सॉरी फॉलिकेयर और आपका कर्जेट बहुत ही बढ़िया काम करेगा मिर्च में लाइट और पाउडर मिल्डू के लिए। अक्षय काकड़ी जी का सवाल था। सचिन उत्तरवार जी ने कमेंट किया है कि सर तुअर तुअर पर फूल पर आने पर चल जाती है क्या भाई, मेरे को समझ नहीं आया आपकी कमेंट ही कंप्लीट नहीं। भारत कदम जी ने कमेंट किया है ब्रेक डोज चे ग्रैनुलर फर्टिलाइजर कंपोस्ट मध्य भट्टी लाउन देने फायदे है सांगा भाई। वो ब्रेक डोज चे ग्रैनुलर फर्टिलाइजर कंपोस्ट मध्य भट्टी लाउन मतलब क्या भाई, मेरे को समझ नहीं आया। मंदार वाबड़े जी ने हमें सुपर ज्वाइन किया है, तो वेलकम मंदार वाबड़े जी, वेलकम। सन्नी निकम सर तुम्हें नाशिक मध्य कौन से तालुके रहता भाई, मैं निफाड़ तालुके में रहता हूँ लासलगांव एरिया में, आप चाहो तो हम मिलने भी आ सकते हो, अभी तो ओपनली बता दिया क्या छुपाना आप लोगों से। ड्रेंचिंग के लिए सरकी डेप चलेगी क्या, सरकी भी चलती है, सरकी पेंट पे चलती है, डेप भी चलती है, आपके मूंगफली की भी चलती है, तो सभी प्रकार के आप ले सकते हो। मिर्च में ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइट से, ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइट्स मतलब क्या भाई, सभी तरह के माइट्स से, तो भाई आप सल्फर की डस्टिंग कर दो और उसके बाद ही आपका ये माइट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बीपीएच के लिए सस्ती और अच्छी दवाई बताओ। ब्राउन प्लांट हॉपर्स, भाई हॉपर्स को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल बात होता है, उसको एक गन से आप दूर रख सकते हो, तो फिश ऑयल और पदान का स्प्रे आपके लिए बढ़िया रहेगा। अभी आपको सिर्फ फिश ऑयल अच्छी कंपनी का मार्केट में से ढूंढ के उसका स्प्रे करना पड़ेगा, तभी ये आपको बीपीएच बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल हो जाएगा यानी कि आपके खेत से दूर भागेगा वो गंध के कारण, या फिर आप कोई भी गैस एक्शन वाले जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेना, एसीपेट रोगर भी आपको रिजल्ट दे देगा भाई, गंध होनी चाहिए सिर्फ। टिल सर्व लॉक करते मग दोन मंचा कांद्यावर मारल्यावर साइज पण लॉक होईल का, अविनाश भोडारे जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। तो अविनाश जी हमने टिल्ट के वीडियो में भी डिटेल में बताया, आपने वो वीडियो देख लिया होगा मेरे हिसाब से, ये ऐसे आशा करता हूँ आपने नहीं देखा है इसलिए आपका ये सवाल आया। तो बात ऐसी है कि भाई देखना बात ऐसी है, टिल्ट आपका सिर्फ कॉन्टेक्ट में लॉक करता है, जो उसके आप देख रहे हो आंखों से वो जिस जगह पे जा रहा है टिल्ट आपके स्प्रिंग के माध्यम से उसी जगह को वो लॉक करता है, बाकी जगह को वो कुछ लॉक नहीं करता है, तो ये बात है भाई। कांदा पिकातील करपा व थ्रिप्स नियंत्रण उपाय सांगा भाई। प्याज के फसल में आप ब्लाइट और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, थ्रिप्स के लिए तो डेलीगेट सबसे बढ़िया है, और अर्ली ब्लाइट के लिए आपका फॉलिक्योर बढ़िया है, लेट ब्लाइट के लिए आपका कर्जेट बढ़िया है, और दोनों को अगर कंट्रोल करना है और दोनों का ज्यादा डिसीज प्रेशर नहीं है तो भाई आपके लिए ताकत बढ़िया है, टाटा का ताकत। सर कांदा रोपाला टिल्ट कमांड स्प्रे केला होता, रोप स्टॉप झाले आहे, आता रोप हिरवे झाले पाहिजे ग्रोथ साठी, झाली काय मारू भाई। टिल्ट कमांड डाला है आपने, तो भाई आपको एक काम करना है, कैरथेन M45 डालना है जिससे ग्रीनरी भी आ जाएगी, कैरथेन M45 से ग्रीनरी आती है, आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर लेना भाई, आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो ग्रीनरी भी आती है और आपका डिसीज भी कंट्रोल हो जाता है। वो M45 के जिंक के और कैरेथेन में क्या कुछ अलग है मेरे को पता नहीं, लेकिन जब एक कॉम्बिनेशन आपके फसल के ऊपर जाता है तो वो ग्रीनरी के साथ आपका डिसीज भी बहुत ही बढ़िया कंट्रोल कर देता है। सर मागच्या लाइव मध्ये कांद्याच्या जिलेबी रोगावर सांगितल्याप्रमाणे तीन स्प्रे मध्ये किती दिवसाचे अंतर राहिले पाहिजे, गणेश गायकवाड जी आप ये टिल्ट कुमान फॉलिकेअर कॉपर और आप रोको कुमांडा बोला है मैंने जलेबी रोग के लिए, तो इसका डिस्टेंस आपको दो दो दिन का भी अंतराल रखते हो अगर ज्यादा समस्या है तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, इतना कम अंतराल में भी। सर वेल डिकम्पोजर की वजह से नाइट्रोजन बढ़ता है क्या, भाई कोई भी बैक्टीरिया हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो आपका जो उसका लाइफ साइकिल जब एक्टिव होता है तो आपका नेचुरली आपका ऑर्गेनिक मैटर में वो नाइट्रोजन बढ़ता ही बढ़ता है, तो वेस्ट डिकम्पोजर से भी बढ़ता है भाई। सर पत्ता गोभी को वजन कैसे बनाए,
वजनदार कैसे बनाना है? नरेंद्र पाटीदार जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम सल्फेट म्यूरेट ऑफ पोटेश का इस्तेमाल करें। चाहो तो हार्वेस्टिंग से पहले 8-10 दिन पहले आप पोटेशियम मॉलिब्डेनम का भी स्प्रे वजन बढ़ाने के लिए ले सकते हो। और हल्की जमीन हो तो भाई उसमें वजन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वही तो दिक्कत है, हल्की जमीनों में वजन ही नहीं मिलता है। नमस्ते सर, बहुत दिनों के बाद लाइव देख रहा हूँ। भाई धीरेंद्र सिंह जी, हम तो लाइव आते रहते हैं, हर रविवार को आते हैं, रोजाना अभी बंद हो गया है, थोड़ा काम भी ज्यादा चालू हो गया है उसकी वजह से। कपाशी और 80% नाइट्रोबेंजिन फॉर लेने फायदा होगा का? कपाशी 98 दिवसांची आए भाई, अभी थोड़ा लेट हो गया है मेरे हिसाब से। कपास की फसल में नाइट्रोबेंजिन थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था। सर फ्लावरिंग स्टेज में पाउडर फॉर्म में सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट कोई भी में चलता है क्या? भाई पाउडर फॉर्म में सिर्फ रोको चलता है, बाकी के पाउडर फॉर्मुलेशन फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलते हैं। अमोल सोनो ने ग्रेस मध्ये लियोसिन पेस्ट मध्ये यूज केलं तर घड जमीवर फायदा होतो का, जिरण्यावर फायदा होतो का? भाई अमोल सोनो ने जी, अगर आप अंगूर की फसल में अगर पेस्ट के साथ लियोसिन का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो बंच है वो स्ट्रांग हो जाता है और आपको जो व्यर्थ खर्च होता है 10-20 हजार का अंगूर के ऊपर वो बच जाएगा। भाई एक मामूली दवा टीकाकरण भी कह सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में बड़ा फायदा हो जाएगा। सर विद्युत डाळिंबा साठी चालेल का फवारणी करावी का ड्रिप ने सोडा? भाई विद्युत क्या है मेरे को वही पता नहीं। ठाकरे कैराटीन M45 का है काय कंटेंट है? भाई कैराथेन और M45 के ऊपर हमारा कॉम्बिनेशन वीडियो बन चुका है, तो कॉम्बिनेशन वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप चाहो तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बन चुकी है कॉम्बिनेशन की सीरीज में, आप उसे देख सकते हो। पूरी की पूरी डिटेल जानकारी, दोनों दवाई है कैराथेन और M45 आपका फंजीसाइड का काम करते हैं, दोनों कॉन्टेक्ट में काम करते हैं, एक पाउडर मिल्ड्यू पे काम करता है और एक डाउन मिल्ड्यू के ऊपर काम करता है। प्याज की फसल में जलेबी रोग बहुत आ गया है, कौन सी दवाई का स्प्रे करें? भाई उसका जवाब तो मैंने प्याज की फसल के 15 मिनट के मतलब पहले 15 मिनट में आपको जलेबी रोग को कैसे कंट्रोल करना है इसका जवाब तो मैंने दे दिया है। आप चाहो तो ये लाइव पब्लिक होने के बाद उसे फिर से देख के वो इलाज जान सकते हो, फिर से रिपीट करने में कोई मजा नहीं। भाई धान के खेत में प्लांट को चूहे काट रहे हैं क्या करें? भाई वो आपका जिंक फॉस्फाइड आता है तो उसका एक गोलियां बनाकर आपके आटे में उसके उसको डालकर उन गोलियों को डालकर आपको खेत में फैला देना है, जिससे आपके वो चूहे खाकर फट जाएंगे। चूहे फट जाएंगे, जिंक फॉस्फाइड वो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। सर मिर्च में कौन सा तननाशक मार सकते? भाई कॉन्टेक्ट वाला ही मार सकते हो, बाकी कुछ नहीं, वो भी संभल कर मारना पड़ेगा। सर अमोनियम सल्फेट के साथ रोको फंजीसाइड चल जाएगा क्या जमीन में? चल जाता है भाई, वो कोई दिक्कत बात नहीं, ड्रिप में से चल जाएगा। अदरक में सडन रोग आया है क्या करना चाहिए? खत क्या क्या डालना चाहिए? भाई आप संतोष जमगी, आप फॉस्फोरस और पोटेश का इस्तेमाल ज्यादा ज्यादा कीजिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट अदरक की सड़न को रोकने का काम करेगा, ज्यादा नाइट्रोजन कंट्रोल होगा तो आपकी सड़न अपने आप रुक जाएगी। आपको अगर सड़न कुछ ज्यादा ही हो आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में आपको कॉपर की ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। तो अगली कमेंट है दिगंबर भूमि जी की, सल्फर फंजीसाइड अदरक पिकासाठी किती वापरावे ड्रेंचिंग के लिए? भाई सल्फर ड्रेंचिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो 1 एकड़ के लिए 3 kg का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमला की वजह से ज्यादा फ्लावर ड्रॉप होगा क्या? भाई होता है, हमला की वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। सर कपास में टिक्का का रोग है और नीचे की सतह में टिंडे सड़ रही है तो क्या करना चाहिए? भाई ऐसे अगर सड़न भी है और टिक्का रोग भी है तो ऐसे में पहले लॉक कर दो यानी कि टिल्ट का स्प्रे कर दो, टिल्ट लॉक कर देता है। टोमेटो में फूलकूद हो रही है क्या करें? भाई टोमेटो में अगर आपकी फ्लावर सड़ रही है तो ऐसे में रोकोकुमान का स्प्रेइंग आपके लिए बढ़िया रहेगा। हितेश ठलाल जी ने कमेंट किया है, सर इमिडाक्लोप्रिड 22 टीन सोबत मिर्चीला ड्रेंचिंग करता येणार का आणि प्रमाण सांगा? भाई इमिडाक्लोप्रिड आप 1 एकड़ के लिए 1 लीटर का इस्तेमाल कर सकते हो और 22 टीन आप 1 एकड़ के लिए 1 kg का इस्तेमाल ड्रेंचिंग के लिए कर सकते हो। ब्राजेश वैष्णव जी ने कमेंट किया है, सर अनार में फ्रूट स्पॉट पर और बैक्टीरियल ब्लाइट क्या है, अच्छा स्प्रे बताए सर। फ्रूट स्पॉट है और बैक्टीरियल ब्लाइट है,
तो भाई अब मेरे हिसाब से कर्जेट कर्जेट बढ़िया रहेगा, और कर्जेट के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी आपको डालना पड़ेगा। सर बारिश ज़्यादा हो रहा है, रेड ग्राम ग्रोथ नहीं हो रहा है, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। तो भाई देव पाटिल जी आपको एक काम करना पड़ेगा, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही ज़्यादा बारिश के कारण? ओके भाई, आपकी जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ड्रिप में से देना पड़ेगा। 1 लीटर भी दोगे तो जड़ों को एक ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद वो चलने लगेगी। ज्यादा से ज्यादा वापसा कंडीशन लाने का प्रयास करो, आपके फसल में ग्रोथ आपको दिख जाएगी। सर मूंगफली में व्हाइट फंगस का अटैक बहुत ज्यादा है, रिप्लाई प्लीज। भाई फॉलिकेयर और कॉपर का स्प्रेइंग कर दो, ब्लू कॉपर, आपका काम हो जाएगा। मटर में देसी दारू किस समय और कितना डोज डाले प्लीज रिप्लाई। भाई मेरे हिसाब से 200 लीटर पानी में कुछ कुछ किसान अलग अलग दवा डोज लेते हैं, कोई 150 मिली लेता है, कोई 100 मिली लेता है। तो आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो भाई, 250 मिली तक इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई हानि नहीं होती है, अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, और किसी भी स्टेज में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। श्रेयस गावन जी लाइव मेंबर लाइव डेट, भाई मेंबर लाइव तो आज का ही था, लेकिन मैंने सोचा चलो सबके जवाब दे दिया जाए, तो आज मैंने सबका ओपन लाइव ले लिया। तो अगले रविवार को मेंबर्स लाइव होगा, तो अगले लाइव रविवार को मेंबर्स लाइव होगा। कैराटीन का है, कैराथेन, कैराथेन फंजीसाइड है भाई, कैराटीन। आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है इसलिए आपको मिल नहीं पा रहा है। आप एक काम कीजिएगा, कैराथेन M45 टाइप कीजिएगा, CARATHEN, कैराथेन। संतरा कलम को हरण से बचाने के लिए क्या इलाज करें? भाई तेजस पाटिल जी आपके संतरा की कलम है जो हिरण से बचाना है, तो भाई हमें हिरण की भी सुरक्षा करनी और आपके संतरा की कलम की भी सुरक्षा करनी, तो ऐसे में आपको एक बात करनी है कि जो झटका मशीन आता है जिससे प्राणी मरते नहीं है लेकिन वो डर के भाग जाते हैं, तो झटका मशीन आप तार कंपाउंड होगा तो आपको सिर्फ वो करंट डाल देना है, कुछ भी उसको ज्यादा खर्च नहीं है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आपका वो सोलर के ऊपर भी वो काम करता है, तो झटका मशीन आपको डलवाना पड़ेगा। बाकी कोई इलाज नहीं, आवाज से तो अभी जानवर को भी आवाज की आदत हो गई। डिसलाइक करने वाले कौन है लोग, कहाँ से आए? सनी निकम जी, भाई करने दो भाई, डिसलाइक तो होने होते हैं। आप देखो भाई भगवान की आरती भी होती है तो उसके ऊपर भी डिसलाइक आते हैं, तो भाई हम तो इंसान है, हमें तो डिसलाइक आनी आनी, अगर भगवान भी अछूते नहीं उससे तो हम कैसे हो सकते हैं। कर दो भाई, जिनको पसंद आता है वो लाइक कर दो, जिनको पसंद नहीं आता है तो वो 2 बार डिसलाइक दबाए, एक नहीं 2 बार दबाए। सर कोणत्याही पिकामध्ये फ्लॉवरिंग स्टेज मध्ये न चालणारी बुरशीनाशक कोणती आहे? भाई फ्लावरिंग स्टेज में न चलने वाले फंजीसाइड के बारे में बता दूं, तो जो ऑयली वाले जो आपके फंजीसाइड होते हैं जैसे कि क्वांटाप हो गया, क्वांटाप ऑयली हो गया, आपका कैराथिन हो गया, तो ये जैसे लिक्विड ऑयली जो फंजीसाइड है वो नहीं चलते हैं। मिर्च में देसी दारू फावरनी है, उसके साथ क्या ले रेड माइट के लिए? भाई देसी दारू के साथ तो मैं कॉम्बिनेशन नहीं करता हूँ, ज्यादा प्रयोग मैंने भी नहीं किए है, सिर्फ पोटेशियम शोनाइट डाला है, तो वही मेरे को ये कॉम्बिनेशन पता है भाई। भाई सिलिकॉन प्लस लार्विन प्लस गोदरेज डबल चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, चमक लाने के लिए चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सर प्लेनोपिक्स का ड्रेंचिंग कर सकते हैं क्या? इब्राहिम सुरती जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। प्लेनोपिक्स ड्रेंचिंग से इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है जितना ज्यादा आपका स्प्रिंग करने से होता है, तो स्प्रिंग के माध्यम से ही अगर आप प्लेनोपिक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। टोमेटो का शेंडा पिवळा पड़ला है, का स्प्रे करू शकतो? तुमच्या माहितीने सांगा। सिन्नर तालुका अगर फ्लावरिंग नहीं है तो M45 और कैरेथिन बढ़िया रहेगा, और आपका M45 की डस्टिंग भी करते हो आपको टमाटर के फसल में तो भी चल जाएगा भाई। सर आम के प्लांट नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करें? आम के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट डलवा सकते हो जिससे आपके आम के पौधे बढ़ पाएंगे। अगर कोई किसी और दिक्कत के कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो दिक्कत आपको ढूंढनी पड़ेगी, फिर ही वो उसी का इलाज हो सकता है।
सोर वो ओनियन में लियोसिन चलता है भाई, ओनियन का स्प्रे चलेगा क्या, डोज कितना डाल भाई, 200 लीटर पानी के लिए 200 मिली लियोसिन का स्प्रे आप ओनियन यानी कि प्याज के फसल में ले सकते हो। डिकम्पोज के बारे में, जी भाई जरूर, डिकम्पोज के बारे में बताया मैंने तो उसके बारे में भी वीडियो आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ मैं डिकम्पोजर के बारे में। ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा एक ज्यादा स्टडी करके आपको बताना चाहता हूँ। सर मेरे मिर्च में बैक्टीरियल ब्लाइट है, कैसे ठीक करें? मिर्च में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट है तो भाई आप एक काम कीजिएगा, ब्लू कॉपर और स्क्रिप्टो का स्प्रेइंग कीजिएगा, आपका बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। कारले एक तोड़ा झाला है, डाउनी आए कैसे नियंत्रण कर रहे हैं भाई? उसके लिए घुलब जी डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल कर रहे, 3 स्टेज में ये वाला वीडियो बन चुका है, फिर भी आपका डाउनी मिल्ड्यू आ चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला स्प्रे लेना है M45 और कैराथेन का, फिर लेना है आपको कर्जेट और जो तंबाकू में जो चुना पुड़ी आती है वो लेनी है, 4 पुड़ी 200 लीटर पानी के लिए। और उसके बाद आपको लेना है, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है थोड़ा महंगा जाएगा, सेक्टिन प्लस आप ग्लू कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप उतना खर्चा ही करना चाहते हो, सस्ते में ही निपटाना चाहते हो तो भाई रेडीमेड बोर्डो आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बेसल डोस कंपोस्ट खत मध्ये थोड़े दिवस मिक्स करून ठेवतात आणि नंतर देतात, त्याला भट्टी म्हणतो आम्ही। ओके भाई, त्याचा फायदा काय? दुसरा प्रश्न, 2-3 महिन्यांनी हार्वेस्ट होणार आहे उसाला, आता वजन वाढीला कोणते कसोट? भाई देखो भाई, आप कोई भी दानेदार वाली खाद हो गई, अगर आप उसको पानी में भिगो के रखते हो किसी कंपोस्ट खाद के साथ, या फिर सिर्फ पानी में अगर भिगो के रखते हो तो उसमें से जो नाइट्रोजन उड़ जाता है, अगर आप ऐसे खुले में डालते हो दानेदार वाली खाद, तो वो नाइट्रोजन 100% पानी में डालने से वो घुल मिल जाता है और उसी के रिजल्ट मिलते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ पानी में भी आप भट्टी लगाओगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो भाई और ऑर्गेनिक के कारण, आपके कंपोस्ट के कारण और भी ज्यादा रिजल्ट बढ़ जाते हैं। इसाबियन स्प्रे करावे की ट्रेंचिंग? भाई इसाबियन के स्प्रे में खास बात में मैंने आपको ये भी वजह बताई कि इसाबियन का स्प्रे करना चाहिए या फिर ट्रेंचिंग करना चाहिए, तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते यार, बहुत बुरा लगता है। सर आपल्या चॅनलला जॉईन झाल्यास काय काय सुविधा मिळतील या बाबत माहिती द्या। संदीप मलथानी, भाई हमारे चॅनल को अगर आप जॉईन होते हो तो मेरी तरफ से सिर्फ एक वही मदद करने के, आपकी मदद आपकी सहायता मेरे तक पहुंचे, इसलिए मैंने वो मेंबर्स जॉइनशिप रखी है आपके लिए। लेकिन फिर भी आप हमारे लिए ज्वाइन होते हैं तो रिटर्न गिफ्ट में हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारा लाइव होता है, ये लाइव आज पब्लिकली है, ओपन लाइव है, सबके लिए खुला है। तो हम हर लाइव में क्या करते हैं, आप जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल लाइव रखते हैं, मेंबर्स ओनली होता है, वहाँ पे सिर्फ मेंबर्स कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप सभी के जॉब मिल जाते हैं। तो इतना ही फायदा अभी फिलहाल के लिए मैं मजबूरी में इतना ही दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। देना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, वो भी बिना पैसों के आपके लिए, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, बाहर का काम अभी छोड़ नहीं सकता, तो इसकी वजह से मैं आपको फुल टाइम दे नहीं सकता। सर टोमेटो फूल की जरूरत है का उपसंग? भाई ब्लाइट की वजह से वो जल रहा होगा, तो देख लेना भाई, टिल्ट कुमान ही मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। संतर डाळिंब व्हाइट व्हाइट होता है का, कौन सा स्प्रे दियो? महेश टोक, भाई नीचे से पोटेशियम सोनाइट डालवा दो और ऊपर से आप कर्जेट प्लस चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर दो। साईदास जेदुरकर जी ने कमेंट किया है, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास पीएनपी के बैक्टीरिया कॉम्बिनेशन एक साथ चलेगा क्या? चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। किसी भी सब्जी फसल में फ्लावरिंग लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताओ। सबसे सस्ते में बूम फ्लावर नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल कर दो, सबसे सस्ते में गारंटेड फ्लावरिंग बढ़ जाएगी। एसपी क्रिएशन जी ने कमेंट किया, दादा झंडूचे पीक आहे करपा जात नाही, औषध फवार ले की थोड़ा दिवस रिजल्ट दिसतो, पुन्हा 3-4 दिवस करपा येतो, काही झाडाच्या खोडाला आई संपूर्ण झाड मरत आहे। मेरे हिसाब से भाई एसपी क्रिएशन वो लेड ब्लाइट होगा, लेड ब्लाइट कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए आपको फिर भी ये भी ट्रीटमेंट करोगे 4 दिन के बाद वही जैसे कि तैसी सिचुएशन बनी जाएगी। तो ठीक है भाई, आपको एक काम करना पड़ेगा, लिक्विड बोल्ड ही आपके लिए सस्ते में अच्छा उपाय होगा वो ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए। अंकित जीव कह रहे हैं, सर कभी गुजरात में जूनागढ़ में आए, आपका स्वागत है। तो धन्यवाद भाई, गुजरात वाले भी स्वागत कर रहे हैं, तो धन्यवाद, जरूर आएंगे भाई, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
सर मिर्ची ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करें? ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि अभी जो सेंद्रीय वाली खाद होती है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से आप गोबर की खाद हो गए, ये तो आपने सुना है, लेकिन बजट में कोई नहीं बताता। तो बजट में मैं इतना ही बता सकता हूँ, आपके मुताबिक जितना पॉसिबल बोलो खली की स्लरी डाला कीजिए। आपको गोबर की स्लरी तो पता है, गोबर की स्लरी डालते हो तो फायदा ही होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपको गोबर की स्लरी के से कई गुना ज्यादा आपको जो खली होती है खली के स्लरी के रिजल्ट मिल जाएंगे। गोमूत्र के स्लरी से भी आपको नुकसान होता है, ये तो आपको रियलाइज हो रहा है, आपको उसके दुष्परिणाम भी पता चल रहे हैं। तो खली के ड्रेंचिंग से या फिर स्लरी से कोई दिक्कत हो नहीं होती है भाई। सर जमीन में से नाइट्रोजन कैसे कम करें? भाई वो तो कम नहीं कर सकते, उसे जो फसल में अपटेक हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जमीन का नाइट्रोजन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भाई। भगवान अपने रोल कभी नहीं बदल सकते। द्राक्ष बागेची डाउनी मेलोडी बीजाणु जमीन मधील कसे मारावे? भाई जमीन के जो डॉर्मेंसी में जो गए आपके जो जो डाउनी मिल्डू के जो फंगस होती है वो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है भाई। उसके लिए वो कई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि भाई जमीन के ऊपर बोल्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे कर दो। यही तक इन्होंने उन्होंने एक बताइए ट्रीटमेंट बताइए, बाकी कुछ। कॉलर रॉड समस्या को असरदार उपाय? भाई कॉलर रॉड के ऊपर रवि पटेल जी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वो वाला वीडियो देख सकते हो। अदरक मधे सड़ वाड़ था का उपाय सांगा? भाई वो तो बता दिया, वही वही सवाल फिर से आ रहा है। सर मिर्च मेथीले पत्ते हो रहे मेपीले पीले पत्ते हो रही है और बड़वा रुग गया है, क्या करें? भाई वो जो डिसीज होगा उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर डिसीज हुआ तो अर्ली अर्ली ब्लाइट होगा तो वो पीलापन अर्ली ब्लाइट के कारण आ गया हो तो आपको फॉलिकेयर का स्प्रे करना पड़ेगा। अगर वो पीलापन अगर आपके फेरस के डिफिशियंसी के कारण आ रहा है तो आपको फेरस देना पड़ेगा। अगर वो पीलापन आपके जड़ों का वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण आपकी जड़ें विकसित नहीं हो रही है उसके कारण आया हो तो आपको जड़ों में कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कुछ डालवाना चाहिए जिससे ऑक्सीजन मिलकर बाकी के न्यूट्रिएंट का अपटेक होकर आपका पीलापन दूर हो सके। आपके यहाँ पे कारण क्या है उसके ऊपर डिपेंड है भाई आपका सोल्यूशन। सर प्याज की जलेबी रोग के पीछे बैक्टीरिया भी है क्या? भाई उसके बारे में अभी तो मैं कुछ ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो में समझा पाना ही बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे डिटेल में समझाने जाऊंगा तो प्याज का जलेबी रोग ही मेरा आधा घंटा ले लेगा, बाकी के लोग चिल्लाते रहेंगे। भाई जिस इंसेक्टिसाइड से ड्रॉपिंग नहीं होती 4-5 केमिकल बता दे टमाटर में प्लीज। भाई जिससे नहीं होती है, फ्रिवस हो गया, रनमैन हो गया, जैम्प्रो हो गया, इक्वेशन प्रो हो गया, स्कोर हो गया, फॉलिकेयर हो गया, आपका मेरियन हो गया, एक्रेसिव हो गया, आपका कुछ भी आप कोई भी ले सकते हो लिक्विड में, कोई दिक्कत की बात। क्वांटाप और कैरेथिन को छोड़कर अमोनियम सल्फेट और 52-34 कॉम्बिनेशन करके ड्रिप से दे सकते हैं क्या? 100% रिजल्ट आएगा क्या? भाई अमोनियम सल्फेट और 52-34 एक साथ मत दो, अलग अलग दो, रिजल्ट मिल जाएंगे। 10 सितंबर ला डाळिंबाग धरले मधी काळी निघण्यासाठी कोणते स्प्रे आणि खते सोडावेत? भाई बोरान का पहले एप्लीकेशन कर दो, बोरान के साथ गुड़ का एप्लीकेशन करते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कौन से भी फसल के लिए शेड्यूल अच्छा है या खुद से देखकर काम करें? सौरव केदार जी ने आज तक का सबसे बढ़िया सवाल पूछा है, मेरे जिंदगी का किसान की तरफ से आया हुआ सबसे बढ़िया सवाल आज का दिन है। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब लकी है मेरे हिसाब से। इन्होंने सौरव केदार जी ने पूछा है कि कौन से भी फसल के लिए शेड्यूल अच्छा है या खुद से देखकर काम करें, बहुत ही बढ़िया है, इस पे टाइम गया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो भाई आप फसल में अगर शेड्यूल बनाते हो तो उसमें क्या प्रोसीजर होती है? अगर आप शेड्यूल बनाते हो तो उसमें आप एक टारगेट करते हो कि भाई मिर्च की फसल है इसमें क्या आता है, अर्ली ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आता है, थ्रिप्स आता है और नीचे निमेटोड आ सकता है,
तो इन चारों पेस्ट को टारगेट करके आप एक शेड्यूल बनाते हो, मेरे को ऐसा करना है, फ्लावरिंग में ये डालना है वो डालना है, तो वो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी बन जाती है आपके शेड्यूल के जरिए। तो उसे अगर आप शेड्यूल को वो प्रिवेंटिव में अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी फसल बहुत ही अच्छे से रह जाती है। लेकिन एक बात गलत हो जाती है, एक बात अलग हो जाती है कि जब आप खुद से देखकर कुछ बातें करते हो तो वो आपका एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि भाई कल ही आपका अर्ली ब्लाइट के लिए दवाई गई है और आप देखने के बाद आपको शेड्यूल ना हो तो आप तीसरे उसका 10 दिनों का रिजल्ट हो, लेकिन चौथे दिन ही आप दूसरा अर्ली ब्लाइट के लिए दवाई डाल देते तो आपका नुकसान होता है शेड्यूल ना होने के कारण। दूसरा नुकसान है कि आपके आप क्या करते हो खुद से देखने से जो आप फसल को हैंडल करते हो उसमें नुकसान क्या होता है, आपको कोई रोग आने देते हो फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हो तो वो बहुत ही आपका नुकसान करता है। रोग आने के बाद उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता और कोई दवाई भी नहीं कर सकती। रोग आने से पहले ही उसका इलाज होता है, चाहे वो दुनिया में कौन सा भी रोग हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि रोग आने से पहले काम करो वही उसका उपचार करने की सही मेथड है। तो भाई बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था, बहुत मजा आ गया, ऐसे सवाल होने चाहिए, बहुत ही तगड़े वाला सवाल। बोर्डेक्स मिक्सचर का ड्रेंचिंग कर सकते हैं क्या? भाई अगर आपके जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, मतलब आपकी हल्की जमीन है, पानी ऐसे निकल जाता है, तो ऐसी जमीनों में आप बोर्डेक्स मिक्सचर का ड्रेंचिंग बेझिझक कर सकते हो। जलेबी रोगावरती लवकर वीडियो बनाओ, भाई जरूर बनाएंगे, ठीक है, जलेबी रोग के ऊपर ही वीडियो आ जाएगा। सर बारिश हो रही है ग्रेस में, क्या स्प्रे कर रहे हैं पोंगा स्टेज में, और चार चुना पुड़ी का वेट कितना होता है? भाई वेट तो पता नहीं मेरे को, मैंने कभी मेजर नहीं किया, लेकिन आप एक्रोबैट और कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, एक्रोबैट 200, ब्लू कॉपर 500। कैलाश पाटीदार, साइदा जदुरकर जी ने कमेंट किया है, सर पोटैश की जगह 10-26-26 इस्तेमाल किया तो चलेगा क्या? एंड थैंक्स फॉर गाइडेंस, लव यू सर। डीएपी पोटैश की जगह 10-26-26 का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ज़्यादा भारी मिट्टी हो तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी फसल आसानी से बढ़ती हो तो कर सकते हो। डाइम के प्लेग क्यों आता है और बेस्ट फंजीसाइड कौन सा? भाई वो फंगस है, वो तो अटैक करेगी जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, और बेस्ट फंजीसाइड उसके लिए तो कर्जेट ही बढ़िया काम करता है, वो भी इंफेक्शन होने के 1-7 दिन के पहले, मतलब वो आंखों से दिखाई देने से पहले काम करता है। तो बाकी कुछ नहीं सर, आपल्याकडे कांदा पीक जास्त आहे, जास्तीत जास्त जलबी रोगाची समस्या आहे, त्यावर डिटेल व्हिडिओ लवकरात लवकर बनवा प्लीज। जी भाई जरूर बनाएंगे, लेकिन मेरे एरिया में जो अर्ली वाला प्याज है वो नहीं होता है, लेट वाला प्याज ज्यादा होता है, जिसका भी बीज डाला है। सर UPL च्या क्यूप्रोफिक्स मध्ये पण कॉपर सल्फेट असतं, मग त्यात योग्य प्रमाणात चुना मिसळून स्प्रे केला तर चालेल का? जी नहीं भाई, संदीप देशमुख जी उन्होंने कुछ फॉर्मूला इस तरीके से मेंटेन किया है कि जो वो कॉपर सल्फेट जाने के बाद भी स्कॉर्चिंग नहीं आती, तो उसके साथ मत खेलो भाई। और कैल्शियम बहुत खतरनाक चीज होती है, अगर स्कॉर्चिंग आ गई तो आप देखते रह जाओगे, आपका नुकसान हो सकता है, तो कैल्शियम का अपने मन से कभी भी आपको कॉम्बिनेशन नहीं करना है, खासकर आपका चूना। टेबुकोनेझोल एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस M45 कॉम्बिनेशन चालेल का कांदा रोपाला? चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? जीतू सोलंकी जी ने कमेंट किया है कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? देखो भाई कॉन्टेक्ट नंबर को देने को तो कोई बात नहीं मेरे को, मैं कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी को मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो देना चाहता हूँ, लेकिन अगर कॉन्टेक्ट नंबर देता हो तो भाई आप पहले से ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर दिन के फोन में ही चले जाते हैं, अगर फिर से आपको भी आप सभी को भी आपको नंबर शेयर करूंगा तो भाई बताओ मेरे को वक्त कहाँ मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, मेरे को मेरा दूसरे काम करने के लिए वक्त कहाँ से मिलेगा? और फोन पे बात करके 1-2 किसानों के ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा तो उससे कोई अच्छी बात नहीं होगी, मैं आप सभी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। गोभी के फूलों के समय फंजीसाइड बताए भाई, गोभी के फूलों के समय भाई फंजीसाइड तो सबसे बढ़िया तो फॉलिकियर है भाई, मेरा फेवरेट है, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है, कर्जेट भी बढ़िया है।
भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ जिससे फसल जमीन में पड़े खाद को पूरा खा ले। भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ ब्लीचिंग रोक सकते हैं, वो वाला प्रोडक्ट है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग दवाइयां है। आपने तो ऑलराउंड पूछ लिया। भारी बारिश हो रही है, फ्लावर ड्रॉपिंग कैसे रोके? सागर रानी जी, भाई ऐसे भारी बारिश में अगर आपको फ्लावर ड्रॉपिंग रोकनी है तो सिर्फ एक ही इलाज है आपके पास, सीपीपीयू मिलता होगा तो वो टिल्ट कुमान और सीपीपीयू का स्प्रे कर देना। टिल्ट आपके सिचुएशन के अनुसार, कुमान 500 मिली और सीपीपीयू 100 ml से ही लेना भाई, 200 भी मत लेना, ज्यादा हो जाएगा। अनार गोटी टेढ़ी हो रही है, अनार गोटी टेढ़ी हो रही है भाई, जिंक की कमी है इसलिए वो टेढ़ा हो रहा है। जल्द से जल्द जिंक दे दो, आपके अनार के फसल में वो कमी दिखाई दे रही है। सर, दलहनी फसलों में सल्फर का कितना महत्वपूर्ण रहता है? सर जरूर भाई, दलहनी को क्या कहते हैं? मेरे को हिंदी में दलहनी का शब्द पता नहीं है, मराठी में क्या कहते होंगे या फिर इंग्लिश में क्या कहते होंगे ये पता नहीं। हिंदी मेरी कमजोर है भाई, समझ लेना। आपको तो पता है, आपने जिन्होंने मेरे पहले से वीडियो देखे होंगे उनको पता है मेरी हिंदी पहले कैसी थी और अभी भी कैसी है, ये भी पता होगा। टमाटा गेरवा खालुम प्यूड़े फान पड़ लिया है तो सब प्रमाण संगा। भाई नीचे से अगर पत्तियां पीली पड़ रही है तो वो कुछ ज्यादा बड़ी समस्या है, तो ऐसे में आपको डस्टिंग की आपके लिए बढ़िया इलाज रहेगा। कॉपर डस्ट आती है 25% वाली, उसकी उसी से ही डस्टिंग करवा दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 52-34 और जेड 78 चलते का सोगा? चल जाता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। 52-34 और जेड 78 चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो भाई, 1 घंटा हो गया, आज बहुत थका हूँ। सर, चवळी पिकावरील अळीसाठी खूप स्प्रे झाले, एखादा छान सिस्टमिक इन्सेक्टिसाइड सांगा। भाई सबसे बढ़िया तो प्रोपेक्स सुपर ही डाल दो, सस्ते में सबसे अच्छा वो नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपने महंगे वाले सब डाले होंगे, सस्ते वाला एक भी नहीं डाला होगा। प्रोपेक्स सुपर इस्तेमाल कर लेना। सर मी नाशिकला येणार आहे, आपण भेटू शकता का? भाई जरूर मिल सकते, अगर कोई बड़ी दिक्कत हो। अतुल कांबळे जी, हम मिल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते, मैं तो इंसान हूँ भाई। सर वरील प्रश्न क्या माता स्वप्निल कदम? भाई आपका वो सवाल कहाँ गया, कोई नहीं मिल रहा है। मसूर की फसल, मसूर ओके, दलहनी वो अलग लग रहा था मेरे को। मसूर क्या भाई, सभी फसलों में सल्फर का महत्व ज्यादा होता है, तो सल्फर बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको सल्फर के वीडियो में बताया, जैसे कि आपका इंजन होता है उसमें पेट्रोल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पेट्रोल के बाद आपके इंजन में अगर ऑयल ही ना हो तो आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो वैसे ही आपके फसल में ज्यादा से ज्यादा जरूरत नाइट्रोजन की होती है, लेकिन आपके फसल में अगर सल्फर की सप्लाई नहीं हो तो आपकी फसल बढ़ ही नहीं सकती, तो सल्फर इतना महत्वपूर्ण है। वैभव 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 जी का सवाल भी नहीं मिल रहा है। सर भिंडी येलो प्रॉब्लम के लिए आपने मेलोडी स्प्रे कॉस्ट ज्यादा बताया है, बोर्डो मिक्सचर एंड जिब्रेलिक एसिड एंड माइग्नोट्रेंट चलेगा क्या? भाई बोर्डो मिक्सचर के साथ चिलेटेड जिंक ले लेना, जिब्रेलिक एसिड मत डालना भाई, जिब्रेलिक एसिड कोई डिजीज होगा तो वो और भी बढ़ा देगा। सर कोकोपीट नर्सरी के ऊपर जानकारी दो, मिर्च के ऊपर? भाई कोकोपीट अलग अलग कंपनियों का अलग अलग क्वालिटी का आता है, तो यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम लेकर उसको बदनाम या फिर उसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको वो प्रैक्टिस से समझना पड़ेगा कोकोपीट के ऊपर, तो उसके ऊपर प्रैक्टिकली वीडियो आना चाहिए मेरे हिसाब से। वागेसा अंकित जी, सर मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं? भाई आपको सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक ज्वाइन शब्द दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सर पुढ़चे लाइव क्या होगा? रहा सनी निकम भाई, अगले अगले रविवार को हम आपके लिए लाइव बना देंगे और कर देंगे, तो ठीक है भाई। सर द्राक्षाच्या पेस्टिंग मध्ये लिओसिनचे प्रमाण सांगा। भाई आग बंद करके 30 ml ले लेना, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। थोड़ा थक गया हूँ इसके कारण ही आज,
ज्यादा जोश नहीं आ रहा है, और आपके लाइक भी पहले कम थे इसलिए ज्यादा बोलना पड़ा तभी आपने लाइक किया, आपको याद नहीं रहता आपका। इसलिए सर माझे पप्पा आणि काकाची डेथ झाली 2 महिन्यापूर्वी कोरोनामुळे। शिमला मिरची लावण्यासाठी पूर्ण गावाने विरोध केला तुझा, तुझ्याकडून होणार नाही पण तुमचे व्हिडिओ बघूनच पूर्ण लावली आणि चांगली आहे। थँक यू सर। सौरव केदारजी हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपके पिताजी और आपके जो अंकल जी है उनकी डेथ हो गई कोरोना के कारण, तो भाई बहुत बैड न्यूज है ये। और आपको ऐसे कठिन सिचुएशन में आपके गांव वालों ने आधार देने की जगह आपके पैर खींचे, ये बहुत बुरा लग रहा है। हमारी समाज व्यवस्था ही गलत जा रही, कुछ लोग हमें इतना सपोर्ट कर देते हैं कि भाई पूछो मत, हमारे मन में भी नहीं होता है कि भाई ये आदमी हमें सहायता कर सकता है, और कुछ अपने जिनसे हम एक सहायता की उम्मीद रखते हैं और वही हमें जब दगा देते तब ऐसी सिचुएशन आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही धर्म दिखा है और एक ही एक बात सीखी है कि जितना ज्यादा हो सके उतना लड़ने का काम करो। आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, मैं ये करूँ या फिर ना करूँ, लेकिन मैंने कोशिश की, ये बहुत ही बढ़िया बात हो चुकी है। अभी देखो भाई सौरभ केदार जी, आपने शिमला मिर्च भी लगाई, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ भी होगा आपके साथ, लेकिन आपने एक अनुभव पा लिया जिसकी कीमत अगर आप कोशिश ही नहीं करते तो आपको अनुभव ही नहीं मिलता, और आप शिमला मिर्च से कई गुना ज्यादा दूर रहते। तो अच्छी बात है भाई सौरभ केदार जी, आपने एक प्रयास किया और इसकी वजह से मेरे को एक, जैसे ही मेरा दिसंबर का महीना कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर के महीने के बाद 1 लाख, तब तक तो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने ही वाले, आप करा ही दोगे मेरे को पता है। तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, एक चैनल हमारा किसके ऊपर होगा, एक तो एक पेस्टिसाइड का, यानी कि किसान को पैसा कमाने के लिए एक उसके खेत में जो क्रॉप है वो उसका मैनेजमेंट करके आपको एक कम खर्च में ज्यादा उपज कैसे ले, ये तो एक गाइडेंस इस चैनल के ऊपर चलता ही रहेगा। लेकिन एक दूसरा चैनल में बनाने की चाह रख रहा हूँ कि जैसे जीरो से लेकर हीरो कैसे बना जाए, मतलब हमें कोई फिल्म वगैरह शूट नहीं करनी है, लेकिन बात यह है कि भाई जब हमारी जो कंडीशन होती है पैसों के बारे में, ज्यादातर किसानों का एक ही कॉमन प्रॉब्लम होता है पैसा, इतना मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसा बचता नहीं, ये फसल में इतना खर्च हो जाता है, तो ये खर्चे को कैसे बचाए, वो उसे कैसे मैनेजमेंट करे, इसके इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे किसानों में एजुकेशन की कमी के कारण, या फिर हम काम में जो व्यस्त रहते हैं वो हम कम पढ़ाई के कारण, कम पुस्तकें पढ़ने के कारण हमें कोई देता नहीं है, और अगर कोई देने की प्रयास करता है तो हम उसे ही रोक देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी किसान के लड़के हैं, हमारे खुद के किसान है, उन सभी को ये फाइनेंशियली एजुकेशन मिलता रहे, तो ये देने के लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग से चैनल बनाया जाए। वो चैनल किस तरीके से होगा क्या होगा आज तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरी एक उम्मीद है कि भाई हर एक किसान को जो काम, मतलब क्या है भाई, कुछ ऐसे फंडे होते हैं लाइफ में जिससे आप काम चुटकियों में करके आपका समय बचा सकते हो। आप ऐसे बहुत से किसान ऐसे कि जिनको एक एप्लीकेशन हो गए, कुछ बैंकिंग के जो काम हो गए, या फिर कुछ भी तरीके हो गए, वो आपको एक ऑनलाइन तरीके से ना आने के कारण आप क्या करते हो, आपको फिजिकली जाकर काम करते हो, तो आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है, और वही समय आपका परिवार का होता है वो आप वहाँ पे दे नहीं पाते हो। तो ऐसे में वो समय कैसे बचाया जाए, या फिर आपके पास जो जमा पूंजी होती है उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, इन सब के बारे में एक नया चैनल बनेगा। लेकिन आपका सपोर्ट नहीं दिखता यार, तो हम उसके लिए टारगेट रखेंगे, जब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपके लिए ये वाला चैनल बना दूंगा। लेकिन 1 लाख के ऊपर हमारी A to Z जानकारी वाली वीडियो इस चैनल के ऊपर 100% आनी ही वाली है, तो उसका इंतजार आप जरूर कर सकते हो। लिप माइनर के लिए वेलम फ्लेक्सी की ड्रिंचिंग कर दो भाई, प्रोपेक्स सुपर से फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएगी भाई। भाई अगले रविवार को हम लगभग लाइव होगा, तो वो लगभग होगा मेरे हिसाब से 8, 8:30 या फिर 9 बजे होगा, तो जरूर होगा भाई। खूब पाउस चालू आहे, सल्फर ने ड्रेंचिंग करू का झेंडूला कोड काळे होऊन झाड मारतात। भाई सल्फर का ड्रेंचिंग करने से अच्छा है आप मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फर एक साथ मिलाकर फसल को डाल दो, गेंदा की फसल में अगर पानी ज्यादा दोगे तो और भी सड़न लग जाएगी, तो वो मत करो।
सर आपके आगे के प्लान सुनकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद भाई सनी निकम जी। लेकिन ये सिर्फ प्लान है, इसे असलियत में तब्दील करना है, तो आपके सहायता की जरूरत है। आपकी सहायता यानी कि भाई मैं कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ सहायता यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगा, उसी से ही आपका आपका सपोर्ट मिलने से ही मेरे को मोटिवेशन मिलके मैं ये सब काम कर पाऊंगा। सर आपके आगे के प्लान हो गया। सर माझी मेंबरशिप कैंसल झाली, काय कारण माझी कमेंट दिसत नाही। गणेश गायकवाड जी, आपका कुछ आरबीआई का कुछ गवर्नमेंट का कुछ रूल निकला है, उसके कारण कुछ हो सकता है, या फिर आपका 1 महीने कंप्लीट हो चुका होगा, वो 1 महीने के लिए अवेलेबल होता है, तो फिर भी आपका नाम मेरे दिमाग में छप गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। रस साठी बेस्ट फंजीसाइड सांगा, वो 1 महीने के लिए होता है मेंबरशिप। रस साठी बेस्ट फंजीसाइड भाई, टिल्ट और टिल्ट बढ़िया काम करेगा। सर कोकोपीट में मिर्च नर्सरी घर पे तैयार की, लेकिन 25 दिन हो गए, 2 पत्ती से 3 पत्ती नहीं हुई, तो भाई उसका ख्याल रखो, उसको ह्यूमिडिटी ड्रिंचिंग कर दो, थोड़ा 19-19 भी स्प्रिंग करते हो तो चल जाएगा, और उसको धूप में रखो भाई ज्यादा, मतलब आप अगर छाव में रखोगे तो उसकी ग्रोथ कहाँ से हो पाएगी, एकदम से धूप में भी मत ले जाना, वरना वो हार्डनिंग ना होने के कारण वहीं पे सूख जाएंगे, तो ये सब बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जी जे 15 गेमिंग, गुजरात में बारिश बहुत हो रही है, मिर्च की खेती में बहुत नुकसान हो रहा है भाई, बहुत बुरा लगा। तो ऐसे में सस्ते में सबसे बढ़िया इलाज ये है कि भाई स्प्रे में टिल्ट कुमान डाल दो, और नीचे से ऐसे नुकसान होने वाला है तो आप एक करना काम कर लेना, सस्ते में एमओपी 10-20 किलो ले लेना, और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो लेना, और उसको उस फसल में डाल देना, आपका नुकसान बहुत हद तक कम हो जाएगा, और यही एक पॉइंट होता है प्लस पॉइंट, क्योंकि इस बारिश में ज्यादा फसलों का नुकसान होने के कारण फसल की उपज कम हो जाती है, और मार्केट में बारिश के बाद दाम बढ़ जाते हैं 10-12 दिन बाद, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। वेरी नाइस प्रभात सांदरकर, ओके धन्यवाद भाई। शेवगा सेटिंग साठी काही उपाय सांगा भाई, सेटिंग के लिए तो भाई आपका गोदरेज का डबल बढ़िया काम करेगा, ड्रम स्टिक के फसल में, शेवगा की फसल में माइट के ऊपर ज्यादा सवाल आए आज। माइट के लिए मिटिगेट बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो भाई वही वही सवाल आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आज बहुत थक गया हूँ मैं, क्षमा चाहता हूँ, आज का लाइव बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा है, तो सॉरी भाई, लेकिन एक प्रयास किया मैंने, मेरे को एक बात समझ आ गई, आपका माइट का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जलेबी रोग का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ किसानों का इलियो का प्रॉब्लम है, और इसके अलावा कुछ ब्लाइट का प्रॉब्लम, फंगस का प्रॉब्लम, ये छोड़कर तो कोई नया प्रॉब्लम तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन चारों प्रॉब्लम के ऊपर तो मैंने इस लाइव में आपको बता दिया है। तो लिक्विड फॉस्फोरस लिक्विड पोटेश के बारे में बताओ भाई, लिक्विड फॉर्मुलेशन का अपटेक सबसे जल्दी होता है, बाकी कुछ नहीं। गुड नाइट सर, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, थैंक्स, वेलकम भाई। तो वही भाई, लिक्विड फॉर्मुलेशन में होने के कारण उसका अपटेक ज्यादा हो जल्दी होता है। स्प्रिंग मशीन घ्यायचं आहे क्रेप साठी, गाइड करा ना प्लीज भाई। वो जो स्प्रिंग यूनिट लेते हो तो वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कितना खर्च है, कर सकते हो, आपकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से आपकी कैनोपी क्या है, आपका अंगूर में अगर स्प्रिंग यूनिट ले रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको सब मैनेज करना पड़ता है, तो वो बहुत डिटेल में बताने जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है स्प्रिंग मशीन लेने में तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर सलाह देने की कोशिश करूंगा। गोदरेज डबल बूम फ्लावर टाटा बहार पैकी कौन से चांगला है भाई, गोदरेज डबल भी बढ़िया है, बूम फ्लावर भी बढ़िया है, और टाटा बहार से ये दोनों और भी ज्यादा बढ़िया है। लिप माइनर साठी काय सांगितले, क्लियर आवाज नाही आला, वेलियम फ्लेक्सी की ड्रेंचिंग कर दो, तेजस पाटील। सर यारा कंपनी च्या प्रोडक्ट वरती वीडियो बनावाय भाई, यारा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, यारा कंपनी वालों ने उसका ख्याल रखना चाहिए, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का पैसा नहीं लेता हूँ, इसकी वजह से मैं कि जो मेरे को आपके लिए सस्ते में सबसे अच्छा वाला लगता है उसी के मैं वीडियो बनाने की चाह रखता हूँ, फिर भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है यारा कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ तो जरूर बनाएंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कंपनी वालों की, थोड़ा आप अपना मुनाफा भी कमाएं लेकिन किसानों को भी ख्याल में रखकर कमाएंगे,
तो और भी अच्छी बात होगी भाई, वरना ये दाम देखकर ही हम चुप बैठने वाले हैं। अभी क्या कर सकते, क्या है सर, आज के जमाने में आप जैसे लोग नहीं के बराबर मिलते हैं, क्योंकि आप निशुल्क सेवा दे रहे हैं। पड़ोसी तो यह भी नहीं बताता बताना चाहता है कि वह खेत में क्या डाल रहा है, आप तो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हो। भाई मैं क्या कहूँ भाई, हरि सिंह मीना जी, मैं जीरा हूँ, तो सिर्फ आप सभी का जो भी मेरे कनेक्शन में आ रहा है, मेरे कांटेक्ट में आ रहा है, मैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई हम ऊपर क्या लेके जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बांटने का काम करो, बांटने का काम करोगे नीचे क्या रहने वाला है आपका, कुछ मतलब नीचे ही रहने वाला है, ऊपर तो कोई नहीं ले जाने वाला है। तो भाई इतना महत्वपूर्ण नॉलेज भगवान ने दिए है, आप सभी को भी दिया है, आप बांटने का काम नहीं करते हो। लेकिन एक भी बात सही सच है, गलत जगह बांटोगे तो आपकी हंसी मजाक उड़ाया जाता है। तो हंसी मजाक मत बनाओ अपने खुद का, जिसको सही लगे उसको ही देने का काम करना। और एक गलत बात है भाई, बगल वाले किसान ने क्या डाला वो नहीं बताता, वो कुछ गलत बताता है, उसका भाव कम जाता है, रेट कम मिलता है, वो ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलता है, इसी की वजह से हम पीछे रह गए। सिर्फ और सिर्फ एक झूठ झूठ बोलने की आदत ही हमें पीछे ढकेल रही है, बाकी कुछ नहीं। सच बोलने की आदत डाल दो, अपने आप आगे बढ़ोगे, लेकिन उससे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सच बोलना भी आसान नहीं है, मेरे को अनुभव है भाई, सच बोलने से कुछ फायदा नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हो तो सब मिल जाता है भाई। भूपिंदर राणा हरियाणा, सर नमस्कार। नमस्कार भाई, सर करेला लगाया है 31 जुलाई को, सर ग्रोथ ज्यादा हो रही है और तुरई कम हो रही है। भाई करेले की ग्रोथ अगर ज्यादा हो रही है तो और भी अच्छी बात है, आपके वो इंटरनोड बड़े वाले आ रहे हैं, सिर्फ आपको रोगों का ध्यान रखना है। तुड़ाई कम हो रही, तुड़ाई कम हो रही यानी कि फ्लावर कम आ रही है, तो भाई बोरान दे दो। अभी एक दिन पहले जुलाई को लगाया है, सॉरी मैंने वो सितंबर समझा है, जुलाई को लगाया है, सॉरी मैं थक गया, वो पढ़ने में ज्यादा जल्दबाजी हो गई। तो भाई जुलाई को लगाया है और अभी तुड़ाई कम हो रही, बढ़ रहा है, तो वो भाई आपने लियोसिन बहुत ही बढ़िया डाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद अगर आपको स्प्रे करना है तो रोकोकुमान का स्प्रे कर सकते हो, जिससे भी आपकी ग्रोथ रुक कर आपकी फ्लावरिंग बढ़ सके। स्वप्निल कदम जी ने ज्वाइन किया है हमें और इन्होंने कमेंट भी किया है, सर मी गेतली मेंबरशिप। धन्यवाद भाई। सर मैंने मेंबरशिप लिया तो उसका यूज कैसे करें? भाई यूज वगैरह कुछ करना नहीं है आपके लिए, एक हर एक मेंबर के लिए एक रविवार का लाइव होता है, स्पेशल लाइव होता है आज का दिन छोड़कर, तो और स्पेशल लाइव होता है, उसमें सिर्फ मेंबर्स के ही सवालों के जवाब दिए जाते हैं, क्योंकि अभी ओपन लाइव में तो अनलिमिटेड सवाल आते हैं, कुछ नाराज होके चले जाते हैं, कुछ के सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो ये दिक्कतें आती है। तो इसके वजह से ही मैंने सोचा कि भाई एक मेंबर्स लाइव भी होना चाहिए रिटर्न गिफ्ट में, तो वही एक फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ। सर पॉली हाउस ग्रीन हाउस ओपन फील्ड फार्मिंग याच्यावर एखादा वीडियो बनवा, वेळ भेट गया भाई, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट दिया है, ओपन फार्मिंग और पॉली हाउस फार्मिंग इसके ऊपर होना चाहिए। ओके सर, टोमॅटोच्या फांद्यावर फुलांच्या दांडेवर काळे डाग येऊन फुलगळ होत आहे, खूप टेन्शन येत आहे, कृपया मार्ग भाई। यहाँ पे लिक्विड बोर्ड और आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और ये स्प्रिंग जाने के बाद आपका 100% रुक जाएगा, तो ये इलाज जरूर कीजिएगा। तो तूर में विल्ट कंट्रोल कैसे करें? भाई विल्ट के ऊपर वीडियो बन चुका है, तो आप देख लेना। सर पाऊस चालू आहे, मला नेटवर्क कमी असल्यामुळे आवाज येत नाही, मी हा लाईव्ह उद्या पाहिन, माझी एक कमेंट पाहिली नाही, ओके सॉरी भाई। आय हॅव अ प्रॉब्लेम, माय पॉइंट पॉइंट गॉट गोइंग टू डाय, हाऊ टू कंट्रोल इट प्लीज टेल मी गुड फंजीसाइड नेम। भाई अब्बास अली जी, आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, ड्रेंचिंग में आपको अगर दिक्कत ज्यादा है तो आपको नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट की ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। सर नमस्कार, शिमला में डाईबैक ज्यादा हो गया है, क्या करे? डाईबैक कौन सी है डाली प्लीज बताइए, धन्यवाद। भाई शिमला मिर्च में अगर डायबैक आने लगा तो उसको रोकना बहुत मुश्किल सा होने लगता है, तो ऐसे में आपको वापसा कंडीशन ज्यादा से ज्यादा बनानी है, कम से कम पानी दो, पानी मत दो जब तक आपका डायबैक नहीं रुकता है। ज्यादा से ज्यादा सिलिकॉन अगर दे पाते हो तो सिलिकॉन देने का प्रयास करो, और एलियट का ऊपर से स्प्रिंग ले लो, नीचे से नीला थोथा डाल सकते हो तो डाल दो भाई, यही उसका इलाज है, फिर भी उसकी गारंटी नहीं भाई, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत नाजुक वाली फसल होती है, उसमें डायबैक चालू हो गया तो चालू हो गया, रुकने का नाम नहीं लेता है।
सर प्लेनोपिक्स के साथ क्या मिक्स कर सकते हैं? भाई प्लेनोपिक्स वाला वीडियो देख लेना, सभी प्रकार के इस्तेमाल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई टॉनिक मत इस्तेमाल करना, उसके रिजल्ट हाइपर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे समाप्त करते आज का लाइव। सॉरी आज के लिए बहुत थक गया हूँ और वीडियो भी बनाया नहीं आज का, कल वीडियो आएगा या नहीं आएगा ये सुबह उठकर ही पता चलेगा। लव फ्रॉम कर्नाटका, गुड नाइट सर, गुड नाइट भाई। बोर्डे मिक्सचर का ब्रांड भाई, मल्टी बोर्ड आता है, इजी बोर्ड आता है, कोई किसी भी कंपनी का लेते हो तो चल जाता है। तो कल का वीडियो देखेंगे, कल सुबह उठकर वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको, मेरे को एक बात बताना, आपको एक चैनल की ग्रोथ के ऊपर अगर कुछ वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने एक पहले लोहे वाला स्टैंड दिखाकर आपको प्रोग्रेस बताई थी, तो अभी मैंने एक डिजी टेक का लिया है, एक स्टैंड लिया है, कैमरा स्टैंड लिया है, तो उसके ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए मेरे को, ये लाइव बंद होने के बाद उसके नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो कल मिलते हैं कल के वीडियो में। जय जवान जय किसान। तो जाते जाते लास्ट वाला सवाल, सर हम धनिया लगाते हैं हर साल के बीच में, धनिया की पेड़ की हाइट अधिक हो जाती है और उसमें बीज कम लगते है और वह फसल गिर जाती है, उसके लिए क्या करें? भाई पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल कर लो, आपकी हाइट कम रहेगी और ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम सोनाइट ही आपके लिए बेटर रहेगा, सस्ते में अच्छा। सागरिका गोल्ड को ड्रिप से दे सकते हैं क्या? भाई दे सकते हो, कोई ड्रिप से दे नहीं सकते भाई, उसको फिल्टर करना पड़ेगा वरना आपका सब ड्रिप चोकअप कर देगा, तो वो नहीं देख सकते। सागरिका दे सकते हो आप, सागरिका लिक्विड दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए बंद करते हैं अभी, मिलते हैं कल के वीडियो में, अगर कल सुबह हो गया तो दोपहर तक कल का वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जय जवान जय किसान। धन्यवाद भाइयों, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, जल्द से जल्द हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, मैं इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए काम कर पाऊं और जिससे आपको A to Z वाली वीडियो मिल पाए। तो गुड नाइट आप सभी के लिए, गुड नाइट।